ओके स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना कॉन्ट्रैक्ट एड का सेकंड क्लास नाउ। मैंने तुम लोगों के साथ ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम देख सकते हो पहला यूनिट जो है फर्स्ट यूनिट बोर्ड पे उसमें इंडेमनिटी पूरा कंप्लीट कर लिया था एंड गारंटी स्टार्ट हुआ था और गारंटी के ऊपर मैंने कॉपी नोट्स दिए थे समझाने के लिए और बुक से भी एक पेज का पूरा गारंटी खत्म कर लिया था। तो अभी गारंटी में ही आगे मूव करेंगे और यूनिट वन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यूनिट वन में पीछे क्वेश्चन आंसर्स भी, वो भी हम लोग देखेंगे। जस्ट टू रिवाइज मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ सबको, मेरे को सुन लो बोर्ड पे ध्यान से एकदम, कहीं पेज पलटने की जरूरत नहीं, यू जस्ट लिसन टू मी एंड बोर्ड देखने का, ओके। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? लॉस की भरपाई। इंडेमनिटी मतलब लॉस की भरपाई और गारंटी मतलब लायबिलिटी की भरपाई। ये दोनों ही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये दोनों ही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, करेक्ट, दैट इज अ कंटिंजेंट। तो ये दोनों कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों के दोनों ट्रिगर्ड तब होते हैं जब कुछ गड़बड़ हो, अदरवाइज ट्रिगर्ड नहीं होते, ठीक है। इंडेमनिटी के लिए मैंने एक केस लॉ का एग्जाम्पल लिया था, एडमसन वर्सेस जारविस, एडमसन वर्सेस जारविस, ठीक है। अच्छा, जो इंडेमनिटी देता है इंडेमनीफायर, जिसे इंडेमनिटी मिलती है इंडेमनिटी होल्डर, ग्रेट। नाउ लेट अस डिफाइन इंडेमनिटी। मैं बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट, मैं डिफाइन करूंगा, तुम लोग खाली सुनने का। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन कॉल्ड इंडेमनीफायर प्रोमिसेस टू सेव अनदर पर्सन कॉल्ड इंडेमनिटी होल्डर फ्रॉम लॉस, फ्रॉम लॉस और लाइबिलिटी, लॉस, लॉस कॉज ड्यू टू, लॉस कॉज ड्यू टू कंडक्ट ऑफ द इंडेमनीफायर और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। इसमें इंस्टीट्यूट की किताब के अनुसार एक्सीडेंट एन एक्ट ऑफ गॉड नहीं आएगा, क्लियर है क्या? मल्टी चॉइस में याद रखने का प्लीज, इज द डेफिनेशन ओके विथ यू? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लियर है चीज, गुड। अब अपने थोड़ा सा बात करेंगे गारंटी के बारे में, दिख रहा है बोर्ड पे? गारंटी मतलब लॉस की भरपाई। यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल याद रखोगे? आईटीसी एंड गोल्ड फ्लेक वाला, ठीक है। आई विल शो इट टू यू वंस, ये रहा, ये हम लोग का एग्जाम्पल थ्रू आउट दिमाग में रखना चलेगा। गोल्ड फ्लेक ने एसबीआई से लोन लिया है 100 करोड़ का और अपनी बिल्डिंग जिसकी कीमत है 150 करोड़ गिरवी रखा है, ओके। पर बैंक को एक गारंटर भी चाहिए, तो आईटीसी विच इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ गोल्ड फ्लेक, उन्होंने एसबीआई को गारंटी भी दिया है, ठीक है। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? तीन। नंबर वन गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू लोन एग्रीमेंट, नंबर थ्री इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, डॉटेड है इसलिए इम्प्लाइड। तीन पार्टीज होते हैं, नंबर वन श्योरिटी, नंबर टू क्रेडिटर, नंबर थ्री प्रिंसिपल डेटर, इट्स अ थ्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, क्या गारंटी देते वक्त जो श्योरिटी है वो एक मैक्सिमम गारंटी अमाउंट फिक्स कर सकता है क्या? यस, विद द अप्रूवल ऑफ, क्या श्योरिटी अपने ऊपर एक मैक्सिमम टेनर या टाइम लिमिट फिक्स कर सकता है क्या कि मैं इतना समय तक के लिए लायबल हूं? विद द अप्रूवल ऑफ द क्रेडिटर, यस, ठीक है। अच्छा, यहां पर डीम्ड कंसिडरेशन होता है, डीम्ड मतलब गोल्ड फ्लेक को जो लोन मिला दैट इज ऑल्सो अ गुड कंसिडरेशन फॉर आईटीसी टू गिव श्योरिटी, क्योंकि एक कॉमन सी बात है, जब लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं तो एक का भला मींस दूसरे का भला। आई टोल्ड यू हमारे फैमिली के अंदर, अच्छा एक बार सोच यार, जरा मैं सिंपल से बात बताऊं, अभी आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अर्निंग ओके, ओके क्लियर। नाउ मैं पैसा कमाऊं या मेरे फादर पैसा कमाए, मेरे लिए तो दोनों ही केस में फायदा है। सपोज मेरे पापा ही भयंकर पैसा छाप ले तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, ठीक है, मतलब एक ही बात है ना, मतलब
इन अ फैमिली एक का भला मींस ऑल का भला, तो कॉन्ट्रैक्टेड वही तो बोल रहा है, सब्सिडियरी का भला मींस होल्डिंग का भला, तो होल्डिंग को गारंटी देने के लिए अलग से और कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, क्या सही है ना? ऐसे कोई किसी के लिए गारंटी देता है क्या? वो आपका कंपनी है एक तरह से, तो आपका फायदा तो इनडायरेक्टली हो ही रहा है ना, तभी तो आप दिए, तो वही आपके लिए भी इक्वल कंसिडरेशन है। एक नया शब्द यहां सीखने को मिला था, सबरो राइट ऑफ सबरोगेशन। अगर ड्यू डेट पे गोल्ड फ्लेक पैसा नहीं दे और आईटीसी जाके पैसा चुका दे एसबीआई को पूरा का पूरा, तो आईटीसी विल बिकम द न्यू क्रेडिटर एंड इट विल हैव ऑल द राइट्स ऑफ एन ओल्ड क्रेडिटर। नाउ आईटीसी कैन सू द गोल्ड फ्लेक, नाउ आईटीसी कैन ऑल्सो ask for the secured asset building. 5 number, ye contingent contract that I have told you, that is okay, clear hai ye, theek hai, ye thoda co surety ka example diya tha wo bhi okay, to bas itna hi last padhaya tha, iske baad tum log mere ko padhane hi nahi diya, okay koi baat nahi, ab pad lenge, ab suno, ab main padha raha hu, ab se count karna 2 ghanta, theek hai, matlab ab se count hoga। हाँ, 6 मिनट हुआ है इसमें। सेक्शन नंबर 120, इस पेज पे आओ, 270। ओके, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। ओके, नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल, तुम लोग मेरे को सुनना है। गोल्ड फ्लेक ने एसबीआई से 100 करोड़ का लोन लिया है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 100 करोड़। अच्छा, इस पे कुछ इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट हो सकता है, लेट अस से 10 करोड़ का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल 100 करोड़, इंटरेस्ट 10 करोड़, कितना हो गया? ओके, अच्छा ये क्या नाम है तुम्हारा, ये बैंक वाले है ना दुनिया भर का प्रोसेसिंग चार्जेस फीस बोल के अंडरस्टैंड बहुत सारा जोड़ देते हैं, लेट अस से 40 लाख, नहीं 40 लाख राउंड ऑफ फिगर बोलते हैं, 1 करोड़, ये मान लो 1 करोड़, हालांकि होता नहीं है, थोड़ा होता है, मान लो 1 करोड़, तो टोटल कितना हो गया? 100 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 111 करोड़, ठीक है। अब मान लो कि आईटीसी ने कोई भी मैक्सिमम गारंटी फिक्स नहीं किया था, आईटीसी ने कोई भी मैक्सिमम गारंटी फिक्स नहीं किया था, तो प्रश्न यह उठता है, गोल्ड फ्लेक इज लायबल फॉर पेमेंट ऑफ 111 करोड़, इज आईटीसी ऑल्सो लायबल फॉर पेमेंट ऑफ 111 करोड़? यस, ओके मैं बात करूं, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल डेटर जितना जितना अमाउंट के लिए लायबल है उतना उतना अमाउंट के लिए श्योरिटी भी लायबल है, अगर मैक्सिमम गारंटी फिक्स नहीं है तो। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत है किसी को? तुम लोग मार्क कर लिए जो मैं बोर्ड पे मार्क किया हूं, ऊपर करें भाई। अच्छा नेक्स्ट सुनो, सपोज मैं आईटीसी, एक बार इधर इमेजिन, मैं आईटीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोल्ड फ्लेक, तो ड्यू डेट के दिन गोल्ड फ्लेक ने पैसा नहीं दिया, तो एसबीआई तुरंत झटपट मेरे को एक नोटिस भेज दिया आईटीसी को कि आईटीसी तुम्हारा वो बंदा पैसा नहीं दे रहा है, तुम गारंटी दिया था तुम पैसा दो, तो मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया, मैं बोला अरे पहले उसको नोटिस भेज के उससे तो रिकवर करने का चेष्टा कर, फिर तो मेरे पास आ, ये क्या मतलब है कि वो नहीं दिया तुरंत तबाक से दौड़ के मेरे पास आ गए, पहले उससे रिकवर करने का चेष्टा तो करो। द आंसर इज नो, क्रेडिटर को जरा सी भी चेष्टा करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि क्रेडिटर पहले ऑप्शन 1 एक्सरसाइज करे फिर ऑप्शन 2, ना, क्रेडिटर कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर ऑप्शन 2।
पढ़ते हैं चलो पॉइंट नंबर टू, द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी. मेरे एग्जाम्पल में श्योरिटी कौन है? आईटीसी. अराइजेस इमीडिएटली ऑन डिफॉल्ट बाय गोल्ड फ्लेक. द क्रेडिटर कौन है? एसबीआई. इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्स्ट सू गोल्ड फ्लेक. मतलब वो सीधा आईटीसी को बोल सकता है पैसा लाओ. ठीक है, क्या क्लियर है ना? ठीक है. तो अच्छा, तीसरा पॉइंट तो ऐसा है जो मैं पहले ही दिन कॉपी में लिखा भी दिया कि श्योरिटी क्रेडिटर से अप्रूव लेके एक मैक्सिमम गारंटी अमाउंट फिक्स कर सकता है. राइट डाउन मैक्स जी. तो दोनों आपस में बात करके एग्रीमेंट में ही लिख देंगे कि मैक्सिमम गारंटी अमाउंट इतना है. ठीक है, ये नहीं कि मतलब बाद में, उसी वक्त जब लोन दिया जा रहा है उसी वक्त बात करके एग्रीमेंट में लिखा जाएगा. मतलब ये कोई हवा की बात नहीं है. यू हैव टू राइट डाउन दैट इन एग्रीमेंट दैट मैक्सिमम गारंटी इज लिमिटेड टू दिस मच अमाउंट. क्लियर है? तो कोई डाउट? ठीक है ना, ये तीन छोटा छोटा पॉइंट्स है. इन पे मिला के तो क्वेश्चन बनता नहीं है, इन पे इंडिविजुअल एक एक पे क्वेश्चन बन सकता है. क्लियर? अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूइंग गारंटी, मैं तुम लोग को एक चीज पढ़ाना चाहता हूं. डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट. ऊपर कर रहे हैं. आसान है? हाँ, मैं पूरा धीरे धीरे समझा के बढ़ाऊंगा. तुम अपना पूरा फोकस एकदम डाल दो इसको. समझना तो आसान है, वो तो मैं समझा दूंगा. याद करने पे अपना पूरा फोकस डाल दो कि यहीं पे पूरा याद होते चला जाए. ओके, क्लियर है? प्लीज इसको फाउंडेशन की तरह मत ले लेना. फाउंडेशन में पेपर पैटर्न वगैरह जो एक सोचने का नजरिया है सब अलग होता है, यहाँ पे एकदम अलग होता है. तो ये फाउंडेशन लेवल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है. ओके, तो इसको पूरा एकदम प्रॉपर लेना कि चार मक्का आएगा तो मैं ऐसे ऐसे सजा के आंसर लिखूंगा, ऐसे ऐसे बोलूंगा. डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी. नंबरिंग, हाउ मेनी डिफरेंसेज डू यू सी? पांच. मैंने पांच इसलिए लिखा बिकॉज पांच मार्क का आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए पांच. ठीक है, ऊपर करें. सबसे पहले आप डेफिनेशन डाल दो दोनों का. दोनों का डेफिनेशन डाल दो, उससे एक बड़ा पॉइंट खत्म हो गया वहीं पे. हाँ कि ना? ठीक है, डेफिनेशन तुम कई बार डिस्कस कर चुके. अभी मैं रिवाइज कराया था अभी जस्ट, तो वापस से नहीं बोल रहा हूं. ऊपर करूं? सेकेंड, नंबर ऑफ पार्टीज. अच्छा, इंडेमनिटी में कितने पार्टीज होते हैं, गारंटी में? नेक्स्ट, नेचर ऑफ लायबिलिटी. इंडेमनिटी में सपोज मैंने इंश्योरेंस कराया है, बजाज अलायंस एक इंश्योरेंस कंपनी है, उससे मैंने इंश्योरेंस कराया है सपोज, तो वो इंडेमनिफायर है. उसका प्राइमरी लायबिलिटी है ना इंश्योरेंस कंपनी का, प्राइमरी लायबिलिटी है ना. पर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो गारंटर होता है श्योरिटी, उसका लायबिलिटी, गारंटर का लायबिलिटी प्राइमरी होता है कि सेकेंडरी? क्या सही है? तो नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो सिंपल, इंडेमनिटी में कितना कॉन्ट्रैक्ट है? एक. गारंटी में कितना है भाई? इतना इजी डिफरेंस है कि अंदर से नेचुरल निकल के आ जाएगा एग्जाम में तो. ठीक है, अच्छा, दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है. दोनों के अंदर एक लायबिलिटी ऑकरेंस पॉइंट होता है. इंडेमनिटी में लायबिलिटी ऑकरेंस पॉइंट क्या है? डेट ऑफ लॉस, डेट ऑफ, और गारंटी में क्या है? डेट ऑफ डिफॉल्ट.
अच्छा, इंडेमनिटी में तो जब तक नुकसान हो नहीं जाता तब तक कोई लायबिलिटी है ही नहीं, जबकि गारंटी में तो डे वन से लायबिलिटी रहता है, लोन रहता है, पर वो किसके नाम पे रहता है? पीडी, श्योरिटी के नाम पे वो बाद में आता है, पर लायबिलिटी पहले से रहता है, जबकि इंडेमनिटी में पहले से लायबिलिटी रहता ही नहीं है, जब तक लॉस ना हो कोई लायबिलिटी नहीं, जबकि गारंटी में तो डे वन से लोन तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी तो शुरू से ही रहता है। ये डिफरेंस क्लियर है? क्वेश्चन आंसर्स। क्या मिल गया? तो बार बुक दिखाओगे मेरे को? अच्छा, मैंने क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे कर दिया। खैर जो भी, ये क्वेश्चन मिल गया क्या तुमको? ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, डन है, मार्क कर लो। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर तो यही है ना आंसर का, 271, 272। अरे आंसर का पेज नंबर 271, 272। ठीक है, ओके। ये देखो, इसमें चिल्लर लेवल के ये भी हैं, एम सी क्यू, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज। ये एक सेकंड देख लेता हूँ, पेज मैच कर रहा है कि नहीं। 11, 12 तक है क्या? चलो कुछ तो मैच कर रहा है। चेतन, ये स्टार्ट 3 से हो रहा है मेरे में, बाकी सब तो सेम था। पकड़ा एक बार, नहीं कैच करना। शिट यार, एक बार नंबरिंग मैच कराओ। 1, 2, हो गया क्या? अभी हुआ नहीं है ना? अरे सिक्स ना, इसमें कोई नंबर है क्या? नहीं है। शांत हो यार। इधर क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज, वेजरिंग नहीं है, क्वाजी नहीं है, वॉइड नहीं है, तो एक ही है, कंटिंजेंट। इधर देखो, ए बी को बोला कि लीगल केस में अगर तुम हार गए, ठीक है, बी और सी के बीच में लीगल केस चल रहा है, ठीक है, तो ए ने बी को बोला कि अगर तुम लीगल केस हार गए और तुमको सी को पैसा देना पड़ा तो डोंट वरी, मैं तुमको दे दूंगा। ये क्या है? इंडेमनिटी। ये एक्चुअली जो तुम एमसीक्यू देख रहे हो ना, दिस इज एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सेक्शन नंबर 124 है ना, बेयर एक्ट समझते हो? बेयर एक्ट जो पार्लियामेंट से तुम छप के निकला गरमा गरम, सेक्शन 124 के नीचे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, उसमें 200 रुपया लिखा हुआ है, इसमें 500 रुपया लिखा हुआ है, एकदम डिट्टो वही छापा हुआ है। तो ये इंडेमनिटी का क्लासिक एग्जाम्पल है कि लीगल केस में तुम हार गए तो हम तुमको पैसा देंगे। ठीक है, एडमसन और वो क्या नाम है, जार्विस, उसमें भी यही बताया था ना, लीगल प्रोसीडिंग्स में जो देना पड़ा था उसको। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या सही है ना? 4 नंबर, एस एंड पी गो इन टू अ शॉप, एस सेज टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर का नाम है सी, तो एस जाके शॉपकीपर को बोलता है कि पी को सामान दे दो, वो अगर पैसा नहीं दिया तो हम दे देंगे गारंटी। 3 लोग आ गए ना पिक्चर में, तो इट इज सपोज टू बी गारंटी, वो तो हिंट ही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 5, क्रेडिटर डिटेल्स छुपा लिया,
क्रेडिटर गारंटर को डिटेल्स नहीं बताया तो गारंटर का दिया हुआ गारंटी वैलिड होगा कि वॉइड हो जाएगा। देखो साइलेंस अबाउट मटेरियल सर्कमस्टांसेस, ये तो मिस रिप्रेजेंटेशन है ना। एंड जब क्रेडिटर झूठ बोलता है गारंटर को तो गारंटी बिकम्स वॉइड। तो वॉइड तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर इज इनवैलिड। अरे वॉइड नहीं है तो आंसर है इनवैलिड। सिक्स और वन सेम है, ऊपर करूं, लिख लिया सबको, ए बी सी अभी ये सात नहीं हो सकता, आठ नौ सब बाद में होगा। अरे ग्यारह भी सेम है रे, ग्यारह चार के साथ सेम है, सेम एज फोर, ग्यारह में लिखो सेम एज फोर, हाँ पता है, बारह में लिखो सेम एज फाइव, ठीक है। तो पीछे चलें भाई, अच्छा वो इंडेमनिटी गारंटी का डिफरेंस क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। अब आया हमारे सामने ये टॉपिक कंटिन्यूइंग गारंटी। अब मैं कंटिन्यूइंग गारंटी डिस्कस करने जा रहा हूं। लिखा क्या, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ सॉट, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस सॉट, और भाई कॉपी, ओके पेज बोलो तो। ओके मतलब सोचो कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में बार बार लोन हो रहा है छोटे छोटे अमाउंट्स का। ओके जमींदारी में ऐसा होता था, 1872 का एक्ट है, तो भाई उस जमाने में तो अपने हिंदुस्तान में फार्मर्स लोग की जान ले रहा था जमींदार, देयर वाज जमींदारी सिस्टम, ठीक है, विच वॉज अबॉलिश्ड लेटर ऑन। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जमींदार लोग भयंकर बदमाशी करते थे ये फार्मर्स लोग के साथ, भयंकर। मतलब देखो फार्मर इज परपेचुअल गरीब, कभी भी पैसा आएगा ही नहीं, हर बार ही उसको पैसे का किल्लत रहेगा और बार बार ही वो छोटे 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 अमाउंट का लोन मांगता रहेगा। सो जहां बार 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 लोन होता है उसको बोलते हैं सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते बोलो,
So continuing guarantee is a guarantee given for a series of transactions. मतलब बार बार होने वाला लोन्स के लिए एक ही बार में गारंटी दे रहा है. कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब गारंटी चलता रहेगा. सो डेफिनेशन तो बहुत आसान है. कंटिन्यूइंग गारंटी इज अ गारंटी गिवन फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस. वेरी सिंपल. ड्रॉ हो गया क्या सबका? समझ में आ रहा है भाई? अब मैं तुमको इसका एक किस्सा सुनाता हूँ. ठीक है, स्टार्ट करें. खाली बस एक बार सुन लो. ओके, मान लो एक बार कि आज एक बार फॉर द कन्वीनियंस पर्पस इजी रहेगा बात करने में मेरे को. सपोज आज 1 जनवरी 2020 है, 1/1/2020. ठीक है, हम लोग अपने आप को गारंटर समझेंगे. समझा? तो हम लोग कौन है? गारंटर माने श्योरिटी. हम लोग अपने आप को गारंटर मानेंगे. ओके, अब मान लो हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई फ्रेंड है. ओके, उसको लोन चाहिए, पर उसको बार 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 लोन चाहिए, छोटे 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 अमाउंट का बार 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 लोन चाहिए. तो इट्स अ सीरीज ऑफ लोन्स, सीरीज ऑफ स्मॉल लोन्स. तो वो हम लोग को आके बोला यार गारंटी दे दो ना. तो हम लोग जाके क्रेडिटर को गारंटी दिए. तो क्रेडिटर बोलता है भाई इसका तो तुम किसके लिए आके गारंटी दे रहे हो? क्रेडिटर बोल रहे हम लोग को, क्रेडिटर बोल रहे हम लोग को कि तुम किसके लिए आके गारंटी दे रहे हो? इसका तो रोज का है, प्रिंसिपल डेटर का तो रोज का है, इसका तो रोज छोटे छोटे अमाउंट का लोन है. तुम कब कितना गारंटी दे रहे हो, कब तक दे रहे हो? तो बोला हम लोग कंटिन्यूइंग गारंटी दे रहे हैं. हम लोग क्रेडिटर को पलट के क्या बोले? आई एम गिविंग कंटिन्यूइंग गारंटी. जब तक वो सीरीज ऑफ लोन चलेगा तब तक मेरा गारंटी चलेगा. बोला ठीक है, योर विश. ओके, अब हमारा जो फ्रेंड है, सपोज मान लो, आई विल गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल जो एग्जाम में आया हुआ है. लेट अस से जो क्रेडिटर है वो एक्चुअली एक शॉपकीपर है. क्या है वो? शॉपकीपर. और जो हम लोग का दोस्त है उसके घर में हर महीने, उसके घर में हर महीने 15,000 रुपया का ग्रोसरी का सामान जाता है. ठीक है, इस शॉपकीपर के यहां से ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट. तो हम लोग का जो फ्रेंड है, एक बार एग्जांपल समझो, हम लोग का जो फ्रेंड है, हम लोग गारंटर है, हम लोग का जो फ्रेंड है वो हर महीने ग्रोसरी वाले के यहाँ से 15,000 रुपया का ग्रोसरी क्रेडिट पे खरीदता है और फिर महीना भर में बीच बीच में पेमेंट करते रहता है. तो ये तो हर महीना ले रहा है भाई, ग्रोसरी तो हर महीने का बात है. तो 31 जनवरी को वो ग्रोसरी लिया, फिर 28 फरवरी को ग्रोसरी लिया, फिर 31 मार्च को ग्रोसरी लिया, ऐसे बार बार 15,000 ग्रोसरी ले रहा है और पेमेंट भी कर रहा है, और पेमेंट भी कर देता है, थोड़ा थोड़ा पैसा भी देते रहता है, लेता रहता है. तो अब तक तो क्रेडिटर ने आके मेरे को टोका नहीं कि तुम्हारा फ्रेंड भाग गया पैसा नहीं दे रहा, अभी तक तो टोका नहीं. तो चल रहा है सीन ऐसे. ठीक है, नाउ टुडे इज 30th जून 2020. कितना महीना बीत गया? 6 महीना बीत गया. अच्छा, 6 महीने में मेरे उस दोस्त ने 90,000 का ग्रोसरी खरीद लिया. मैथ्स. ठीक है, 90,000 का ग्रोसरी खरीद लिया और 50,000 चुका भी दिया है, 50,000 चुका भी दिया. हाउ मच लेफ्ट? 40,000. नाउ सपोज एट दिस पॉइंट द क्रेडिटर चूजेस कि नहीं अब उधारी बंद, पैसा चाहिए. तो क्रेडिटर शॉपकीपर जो है वो जाके पैसा मांगा दोस्त से कि भाई 40,000 भी तो हम तुम और नहीं देंगे उधार में माल. ठीक है, तो अब दोस्त अगर उसको नहीं दे पाया तो 40,000 के लिए कौन लायबल है? हम लोग लायबल है. तो हम लोग उसको 40,000 रुपया देंगे. तुमको एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? स्टोरी समझ में आ रहा है? ये एक लोन था कि सीरीज ऑफ लोन है. एंड मैं तो सच्ची बोलू, इट इज काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस गारंटी. ये तो कोई लोन बोल के भी नहीं था, ये तो एक्चुअली ग्रोसरी का माल जो घर में आता है वो. तो इट्स अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी की सीरीज ऑफ लोन्स. क्या? तो अभी तुमको फंडा समझ में आ रहा है? अब मैं एक भयंकर चीज बोलने जा रहा हूं, लिसन. एक नॉर्मल गारंटी में और एक कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या फर्क होता है? ठीक है, रफ फर्क है, ड्रॉ ड्रॉ. अगर ड्रॉ करते वक्त ये फेयर जैसा बन गया तब ड्रॉ कर लेना. 6 लाइन का होगा. भाई एक बात को सुनो इधर, नॉर्मल गारंटी में लोन का पैसा
already diya ja raha hai. When I give guarantee, surety gives guarantee. जब गारंटी दिया जाता है उसी में लोन दे दिया जाता है, तो फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा. वट एवर हैपेंड हैज हैपेंड इन द पास्ट. लेकिन यहां यस और नो सोच के देखो. लेफ्ट साइड में तो श्योरिटी गिव्स गारंटी फॉर अ पास्ट ट्रांजैक्शन, लोन दिया जा चुका उसके लिए गारंटी है ना. लेकिन उधर लाल रंग में पढ़ो, क्योंकि ये तो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है. तो गारंटी के पहले भी कुछ ट्रांजैक्शन है, गारंटी के वक्त भी कुछ ट्रांजैक्शन है, गारंटी के बाद भी कुछ ट्रांजैक्शन है. तो नाउ दिस मैन रेड कलर दैट साइड, श्योरिटी इज गिविंग कंटिन्यूइंग गारंटी फॉर पास्ट एज वेल एज फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स. फर्क समझ में आ रहा है? हम पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए भी गारंटी दे रहे हैं और फ्यूचर के लिए भी दे रहे हैं. जैसे हम लोग, मेरा जो ग्रॉसरी वाला एग्जाम्पल था उसमें तो फ्यूचर के लिए गारंटी दे रहे हैं कि देते रहो आप इसको, सामान हम देख लेगा. तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए भी गारंटी दे रहा हूं मैं, है ना, जो हुआ भी नहीं है, जो ट्रांजेक्शन हुआ भी नहीं है. जबकि नॉर्मल गारंटी में हम लोग जितना दिया जा चुका है उसके लिए गारंटी देते हैं, उसके बाद ही और कुछ नहीं. ठीक है, कॉपी हुआ? देयरफॉर नॉर्मल गारंटी cannot be revoked because आपके guarantee की वजह से ही तो सामने वाले ने लोन दिया है. ITC के guarantee की वजह से ही तो SBI ने गोल्ड फ्लेक को 100 करोड़ का लोन दिया है. तो अब ITC पीछे हट सकता है क्या? सपोज SBI लोन दे दिया, अब ITC बोलता है भाई मेरा गारंटी खत्म. अरे तुम्हारे गारंटी के बेस पे तो लोन दिए, अब देने के बाद तुम्हें तो गारंटी खत्म, ऐसा हो सकता है क्या? तो देर कैन नॉट बी एनी रिवोकेशन. रिवोक वर्ड का मतलब होता है पीछे हट जाना. रिवोक वर्ड का मतलब क्या होता है? पीछे हट जाना, मतलब आपने बात से पीछे हट गया, दैट्स कॉल्ड रिवोक्ड. ठीक है, क्या नॉर्मल गारंटी में गारंटर गारंटी देने के बाद लोन मिल चुका उसके बाद पीछे हट सकता है क्या? तो फिर बेकार बात हो गया. तो क्रेडिटर ने आप ही के तो आश्वासन पे लोन दिया है, अब आप पीछे हट नहीं पाओगे ना, सिंपल. लेकिन द आंसर इज डिफरेंट फॉर दैट, बिकॉज वहां पे पास्ट भी है और फ्यूचर भी है. तो पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए तो मैं पीछे नहीं हट सकता, पर फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए मैं पीछे हट सकता हूं. जैसे सुनो, वो ग्रोसरी वाले एग्जांपल पे आते हैं. ओके, फर्स्ट जनवरी को, अभी तुम लोग मेरा बात को ध्यान सुन रहे हो तो कॉपी करना बंद करो. ये बस सुनो मेरे को, ये आसान चीज है, मैं समझा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा, बस खाली फोकस मेंटेन करिए अपना. फर्स्ट जनवरी को मैंने अपने दोस्त के खातिर ग्रोसरी वाले दुकानदार को, ठीक है, एक गारंटी दिया था. ठीक है, कि ग्रोसरी वाले को गारंटी दिया था, भाई इसको जो भी महीने का माल है दे दिया करो क्रेडिट पे, नहीं दिया तो हम चुका देंगे. ठीक है, तो हर महीने 15,000 का माल देता था ग्रोसरी का दोस्त को, और टोटल 6 महीने में 90,000 हो गया, और 50,000 रुपया चुका भी दिया, तो बचा कितना? 40. 30 जून आ गया, आज 30 जून आ गया, तो अब तक 90,000 का माल ले लिया है, 50 चुका दिया, 40 ड्यू है. 1 जुलाई को मेरा मेरे दोस्त के साथ भयंकर झगड़ा हो गया, बोला मुंह मत दिखाना दोबारा, मतलब ऐसा वाला. ठीक है, तो मेरा माता सनक जाएगा ऑब्वियसली, बोला इसके लिए हम दिए थे कंटिन्यूइंग गारंटी फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस. तो मैं तुरंत 1 जुलाई को ग्रोसरी वाले को फोन करूंगा, उसको अब से उधार पे माल देना तो अपने दम पे देना, मेरा गारंटी खत्म. आई इमीडिएटली इन्फॉर्म द ग्रोसरी वाला,
Now, if you deliver any kind of grocery goods to my friend, no, but not my friend, because he is not my friend. ठीक है? तो अब से अगर उसको कुछ भी दिया, तो अब उसके लिए मैं liable नहीं हूँ. तो grocery वाला तबाक से बोला, भाई future का तो छोड़, पहले past का settle कर. Past का 40,000 खड़ा है, वो देगा कि नहीं? तो वो तो मेरे को देना पड़ेगा. Past transaction के लिए मैं पीछे, तो 40,000 के लिए I am liable. But अब future से July, August, फलाना ढिमका जो भी, अब वो परचेस करके तो मैं लायबल हूं क्या? आई एम लायबल फॉर द पास्ट 40,000, बट आई एम नॉट लायबल फॉर एनी फ्यूचर ट्रांजैक्शन. तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए जो मेरा गारंटी है, वो मैं रिवोक कर सकता हूं, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन तो अभी तक हुआ नहीं है. तो ना तो क्रेडिटर का कोई नुकसान है और ना मेरा कोई नुकसान है. क्लियर है क्या? मैं लिखने जा रहा हूं. डब्बे के अंदर जो लिखा है ध्यान से पढ़ो, कोई डाउट? अच्छा ठीक है, अब वो बॉक्स के अंदर का पढ़ो तो क्या लिखा है. कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, बट श्योरिटी इज फॉर पास्ट ट्रांजैक्शंस. ये एक छोटा सा पॉइंट के ऊपर इतनी बार ये लोग क्वेश्चन सेट किए हैं, कोई हिसाब नहीं. छोटा सा मामूली सा चीज, एकदम इजी है भाई. इजी है कि नहीं? कोई हार्ड लग रहा है क्या? इजी तो है. तो इस पे इतना बार क्वेश्चन आया है, कोई हिसाब नहीं है. से याद रहेगा ये? अरे मैं इसको थोड़ा प्रॉपर बुक से दिखा दूं क्या? अच्छा एक बात बताओ, बंदा जब गारंटी देता है तो एक मैक्सिमम गारंटी अमाउंट फिक्स कर सकता है, एक मैक्सिमम टेनर फिक्स कर सकता है, इवन इन कंटिन्यूइंग गारंटी, इवन इन, हाँ, आप ना कंटिन्यूइंग गारंटी में भी एक मैक्स जी या एक मैक्स टेनर फिक्स कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैं ग्रोसरी वाले को बोला यार इसके लिए मैं 2 साल तक का गारंटी देता हूं, ठीक है, या मैं इसके लिए 1,00,000 रुपए तक का गारंटी देता हूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं. इसमें मैं एक लिमिट फिक्स कर सकता हूं और मैं जब चाहूं बीच में ही फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए रिवोक कर सकता हूं और पास्ट के लिए मैं लायबल रहूंगा. क्लियर है? कोई दिक्कत? एक और ये लिखा क्या तुम लोगों ने? मैक्स जी, मैक्स टेनर, एक और लिख लो, बोलो. ओ कॉपी हो गया सबका क्या? मैं कुछ बोल रहा हूं सुनो. अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं गारंटर हूं तो मैं क्रेडिटर के ऊपर कुछ कंडीशन डाला. जैसे मैं उसको बोला, मैं शॉपकीपर को बोला कि एक बात सुनिए दोस्त है मेरा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसके लिए, इसके घर पे सामान भेजते रहना, हम पैसा दे देगा अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ. लेकिन फिर भी हम आपके ऊपर एक कंडीशन डाल रहे हैं, जब कभी ड्यू अमाउंट 1,00,000 के ऊपर चला जाए तो हमको बता देना पहले से, तब हम देखेंगे क्या करना है. सपोज वो आके बता दिए 1,00,000 क्रॉस हो गया, तब मैं बोलूंगा बस अब रुक जाओ,
फ्यूचर के लिए रिवोक्ड, तो जितना हो गया उतना दे दूंगा, आई कैन डू दैट ना। अब सुनो, मैंने कंडीशन डाल दिया था, क्रिएटर को बोल दिया था कि भाई बता देना मेरे को, भाई बताया ही नहीं वो। आज के दिन अमाउंट 5 लाख हो गया, अब आके मेरे को बोल रहा है 5 लाख लाओ, तो मैं दूंगा क्या? मैं बोलूंगा मैंने आपके ऊपर कंडीशन डाला था कि 1 लाख पार होते ही तुरंत बता देना, जो कि 3 साल पहले हो गया, आपने बताया नहीं, अब आई एम नॉट लायबल फॉर दैट अमाउंट। क्लियर है? तो गारंटी कैन ऑल्सो बी कंडीशनल, गारंटी कैन ऑल्सो बी। अब एक बार बुक में जाएंगे, ठीक है? कंडीशनल में मतलब क्या हुआ, श्योरिटी ने क्रेडिटर के ऊपर कंडीशन डाल दिया था कि मेरे को बता देना ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाए तो, ठीक है? ओके, कम टू बुक इधर। जो मैंने कॉपी में लिखा है वही सब आएगा अभी। पहला पॉइंट क्या, नंबर वन, सॉर्ट। सॉर्ट माने सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड, इवन कंटिन्यूइंग गारंटी में भी आप चाहो तो एक मैक्सिमम गारंटी अमाउंट और एक मैक्सिमम टेनर फिक्स कर सकते हो कि मैं इतना तक का गारंटी दे रहा हूँ, इतने अमाउंट तक का और इतने समय तक का, इसके आगे नहीं। एंड कंडीशनल भी हो सकता है, श्योरिटी में इम्पोज सर्टेन कंडीशंस। कौन किस पे कंडीशन डाल रहा है? श्योरिटी कंडीशन डाल रहा है क्रेडिटर के ऊपर, ठीक है? इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो आता है एग्जाम में, ये वाला अप्रेंटिस एग्जाम्पल। मैं ये एग्जाम्पल एक बार तुमको अपनी तरफ से बोल के सुनाऊंगा, बुक से पढ़ोगे तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है? इधर सुनो, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल को ट्विस्ट करके पढ़ाऊंगा। लिखना हुआ सबका क्या? हाँ भाई सुने, अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप को बोलते हैं अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है कोई जब तुम्हारे यहां काम पकड़ा है सैलरी कमाने के लिए नहीं, काम सीखने के लिए। एक होता है कि हम सैलरी कमाने के लिए काम करने जा रहे हैं, और एक होता है हम आपके यहाँ काम सीखने के लिए आ रहे हैं, तो उसको अप्रेंटिस बोलते हैं उस बंदे को। जैसे तुम जब आर्टिकलशिप पे जाओगे तो तुमको एम्प्लॉई नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? अप्रेंटिस, ठीक है? और जब तुम पूरा क्वालिफाई कर लोगे, एकदम डिग्री मिल जाएगी, जब काम पे जाओगे तो तुम अप्रेंटिस नहीं कहलाओगे, क्या कहलाओगे? एम्प्लॉई। एम्प्लॉई को मिलता है तनख्वाह, सैलरी, और अप्रेंटिस को मिलता है स्टाइपेंड, ठीक है? अप्रेंटिस को क्या मिलता है? स्टाइपेंड, कि कुछ खाली ऐसे जेब खर्चा, हाथ खर्चा टाइप का, क्योंकि तुम काम सीखने आए हैं हम लोग के यहाँ, तुम हम लोग के यहाँ पे नौकरी करने नहीं आए। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब समझ आ रहा है तो, ठीक है? कई जगह ऐसा भी होता है कि अप्रेंटिस को एक भी पैसा नहीं दिया जाता, ऐसा भी होता है, ठीक है? और यहाँ पे भी जो हम लोग पढ़ाई करते हैं सीए का, उसमें भी जो पैसा मिलता है वो नहीं के बराबर होता है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अनपेड आर्टिकलशिप, ओके?
क्योंकि महीने का 2-3 हज़ार रुपया कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तुमको महीने का 2-3 हज़ार रुपया देगा तुम्हारा तो वो भाड़ा में उससे ज्यादा निकल जाएगा पैसा। गेट माय पॉइंट? बिकॉज पीपल आर नाउ गेटिंग यूज टू उबर, तो कोई भी बस में धक्का खाने वाला नहीं है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैं सीए, एक बार जस्ट इधर एग्जाम्पल सुनो, वो भाषा पढ़ोगे ना तो दिक्कत होगी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुमको अच्छा से। मैं सीए, ओके, सीए सिद्धार्थ अग्रवाल। अब मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, दोस्त ढूंढना पड़ता है, मिल नहीं रहा, रुको एक बार, नहीं वो नहीं, वो दोस्त थोड़ा है, ठीक है मिल गया, ठीक है, सीए पीयूष गोयल, ठीक है, कोई भी नाम ले, ओ अच्छा सीए पीयूष बगड़िया, ठीक है अब चलेगा, तो सीए पीयूष बगड़िया कोई दोस्त है, ओके दोस्त है दोस्त, अच्छा वो प्रॉपर प्रैक्टिस में करता है, वो प्रॉपर प्रैक्टिस में, और मैं इसमें हूँ कोचिंग लाइन, ठीक है, और वो प्रैक्टिस कर रहा है। अब सपोज वो मेरे को फोन पर बोला कि यार आर्टिकलशिप के लिए एक अच्छा वो स्टूडेंट कैंडिडेट भेजो, तो बोला ठीक है देखते हैं मिलेगा तो अब मेरी नज़रों में एक कैंडिडेट था, ठीक है, कैंडिडेट का नाम नीरज, नीरज एक बार ऐसे नीरज, ठीक है, क्या और भी नाम आ रहे हैं पर नहीं बोलना चाहिए, है ना, ठीक है, कैंडिडेट का नाम है रोहित, ठीक है, तो कैंडिडेट का नाम क्या है रोहित, तो रोहित वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट बिकॉज हमेशा आके अच्छी तरह से बर्ताव किया, परफॉर्मेंस भी क्लास में सही, शांत, कम से कम दिखाया तो ऐसे ही, तो कि नॉलेज भी है ऐसा, ठीक है, हाँ, तो अभी क्या है कि वो जो दोस्त का नाम भूल गया मैं, क्या था, अरे दोस्त पीयूष बगड़िया, हाँ, तो सीए पीयूष, अरे वो तो स्टूडेंट आर्टिकल है ना इधर, क्या तुम लोग नाम में कंफ्यूजन है, मैं लिख के कराऊंगा, हाँ ठीक है, मैं एक बार लिख लेता, नाम याद नहीं रहता मेरे को, ठीक है ना ऐसे, ओके, तो दोस्त का नाम है सीए पीयूष और वो आर्टिकल का नाम था रोहित, ठीक है अरे बोल नहीं रही है, पढ़ाएंगे पीछे से क्या भगे जा रहे तुम लोग, मैं पढ़ाए तो एक बार रुको, डिस्टर्ब मत करो, इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल, अप्रेंटिस एग्जाम्पल, मैं हूं सीए, ठीक है, और मेरा दोस्त का नाम बताना, तो अरे दोस्त का नाम तो वो है ना बगड़िया इन प्रैक्टिस, और वो स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम है रोहित तमाकू वाला, अरे मेरा दोस्त है रे रोहित तमाकू वाला एक था, ठीक है, उसका टाइटल था तमाकू वाला, आज वो सीए बन चुका है, ठीक है, क्या नहीं उसका टाइटल तमाकू वाला ही है मतलब, तो ये स्टूडेंट, ओके, आप डिस्टर्ब कर रहे हो पढ़ाई, तुम लोग अच्छा खासा एग्जाम्पल को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, देखो सुनो, तो यार ये जो पीयूष है ना पीयूष, इसको एक अच्छा आर्टिकल चाहिए, तो मैं बोला कि यार ये रोहित तो अच्छा ही है, अच्छा आर्टिकल है, हमेशा बोलता है उसको बहुत कुछ आता है, नॉलेज भी है, मैं मान लिया, ठीक है, तो मैंने अपने दोस्त को रेफरेंस दे दिया कि ठीक है यार इसको रख ले, तो दोस्त बोला कि देख यार वो कल को काम करने आएगा, उसको 70 चीज पता चले क्लाइंट के बारे में, हम लोग लैपटॉप भी देते हैं, क्लाइंट्स भी जाएगा कल को लेके भाग भाग गया, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं बोला मतलब कि मैं रोहित के लिए मैं गारंटी ले रहा हूँ, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, तो मेरे को बोला जाएगा किसके लिए, तो उसको क्या बोलोगे, पीडी बोला जाएगा, किसको दे रहा हूं गारंटी, तो ये बंदा कहलाएगा। अब सुनो क्या हुआ, मैंने अपने मित्र क्रेडिटर के ऊपर एक कंडीशन डाल सकता हूं, मैंने कंडीशन इंपोज किया कि मैंने बोला कि देख यार ऐसे तो रोहित एक डिसेंट ही है, ओके, तो तुमको काम ही आएगा, रख लो अच्छा बंदा है, मेरे को लगता है ईमानदार ही है, पर फिर भी किसी का गारंटी तो ऐसे पूरा परफेक्ट एब्सोल्यूट तो ले नहीं सकते, तो थोड़ा इसको मॉनिटरिंग भी करते रहना टाइम टू टाइम, देखते रहना पूरा, पता करते रहना कहाँ पर है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तुम भी निगरानी रखना, मैं थोड़ा रोज रोज निगरानी रखूंगा,
तो रोहित गया काम करने को कुछ समय तक, तो बहुत अच्छा, कुछ समय तक तो बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत परफॉर्म किया, बोल बोल के मन जीत लिया, है ना। पर बाद में इसके लक्षण बदल गए, ठीक है, आर्टिकलशिप में जाके काम कम कर रहा है और क्या हुआ, क्या कर रहे हो, हंस क्यों रहे हो, फाकी मार रहे हैं, ठीक है, और क्लाइंट लोग फाकी मतलब काम नहीं करने का, ओके। हाँ, अब पीयूष को लक्षण दिख रहे थे, पीयूष की पारखी नजर, उसको लक्षण दिख रहे थे कि भाई लड़का हाथ से गया, ठीक है। पर पीयूष ने मेरे को बोला नहीं, मिस्टेक ऑफ पीयूष, पीयूष का मिस्टेक, ठीक है, तो उसने बताया नहीं। कुछ महीनों तक ऐसा चला और फाइनली रोहित लैपटॉप लेके भाग गया, फरार, एब्सकॉन्डेड विथ लैपटॉप। आज तक आईसीआई भी ढूंढ नहीं पाए कि स्टूडेंट गया तो गया कहाँ, क्योंकि एग्जाम देने भी नहीं जा रहा है। अब जब लैपटॉप लेके भागा तो पीयूष आके हमको बोलता है, सिद्धार्थ पैसा दो। तो मैं बोला, मैंने तुम्हारे पे कंडीशन डाला था मॉनिटरिंग का, तुमने मॉनिटरिंग किया नहीं ढंग से, चलो मेरे को पता चल गया, मान लो ऐसी, क्योंकि इमीडिएटली डाउट आएगा कि हाउ डू आई नो कि मॉनिटरिंग किया कि नहीं किया, पर मान लो कि मुझे पता चल गया कि मॉनिटरिंग नहीं किया, तो क्या मैं लायबल हूं? नो, नॉट लायबल, बिकॉज कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। समझ में आ रहा है ना बात? यहाँ ऐसा ही एग्जाम्पल है, इधर देखो, अब जरा एग्जाम्पल पढ़ो अप्रेंटिस वाला। एक्स आउट्स एम, मतलब एक्स एम को भेजा, वाई प्रॉमिस किया, वाई मतलब क्रेडिटर, कि वो एक बार महीने में कम से कम चेक करेगा अकाउंट्स अकाउंट्स, पर फिर वाई ने चेक करना बंद कर दिया और एम रोहित भाग गया घोटाला करके। इज एक्स लायबल? एक्स इज नॉट लायबल। सही है ना? शॉर्ट लेफ्ट साइड पढ़ो, शॉर्ट मैक्स जी, मैक्स टेनर, और फिर नीचे इधर कंडीशनल गारंटी। अब देख भाई बवाल होने जा रहा है, अब कॉपी करना है, ठीक है, अब कॉपी कर लेना। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग, कैन इट बी रिवोक्ड? यस, हाउ? By death, भाई death, अगर श्योरिटी मर जाए तो उसके साथ ही फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए उसका सारा लाइबिलिटी खत्म। तो मर के रिवोक किया ये, तो ओके ना, श्योरिटी का नाम विशाल कनौड़िया है, ठीक है। हाँ, मैंने देना नहीं ना। इधर तो रिवोकेशन में
अगर श्योरिटी मर ही गया तो हाउ कैन ही बी लायबल फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस? कॉमन सेंस, अरे मरने के बाद कोई लायबल हो सकता है क्या फ्यूचर ट्रांजेक्शंस के लिए? नहीं ना, पर पास्ट ट्रांजेक्शंस के लिए लायबल है। तो कैसे लेंगे? उसके संपत्ति से। तो मैंने नीचे ब्लू कलर में क्या लिखा पढ़ो तो, श्योरिटीज एस्टेट, मतलब उसका जो संपत्ति छोड़ के गया उससे पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए जो भी पैसा ड्यू बनता है वो निकाल सकते हैं, पर फ्यूचर के लिए नो। खत्म। दूसरा, दूसरा इज वेरी सिंपल। प्रॉपर नोटिस देके रिवोक करेगा कि मैं फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए लायबल नहीं हूं। रिवोक करने के दो तरीके, डेथ एंड नोटिस। डेथ और नोटिस दोनों एक साथ हो सकता है क्या? नहीं, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? वो बना रहे ना पीछे केस मिला के। अरे नहीं, नहीं, अरे नहीं, हम नहीं चाहते, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम पीछे तो और भी तो लोग हैं खाली, है ना, अपने ऊपर ले लेता है हमेशा। आतंकवादी एकदम, कहां से मतलब आ गया, अलकायदा छोड़ गया क्लास पे आके। इधर ये हो गया क्या? अभी इसको अपने उसमें चलते हैं, बुक में। सबको कॉपी किया हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हो जो हो रहा है? इधर देखो, इधर भाई बोर्ड पे प्लीज शांति। ये हो गया डन, हो गया। तो अब इस पर ना बहुत सारे सवाल जवाब हैं, चलो चलते हैं, सवाल करते हैं। गो टू क्वेश्चन थ्री। ओके, हटा दूं मैं? ठीक है, ये रहा क्वेश्चन थ्री। सुरेश, कमलेश, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? देख रहे हो ना, डायग्राम से तुरंत क्लियर हो गया किसने किसको गारंटी दिया। रमेश ने कमलेश को गारंटी दिया सुरेश के खातिर, एंड मल्टीपल एरो इंडिकेट्स इट्स अ कंटिन्यूइंग गारंटी। एब्सोल्युटली करेक्ट। एक तो एक कंटिन्यूइंग गारंटी है, परंतु इसमें ना मैक्सिमम जी फिक्स किया गया है। मैक्सिमम जी 85,000 रुपीज फिक्स कर दिया है, और मैक्सिमम टेनर भी फिक्स कर दिया है।
कहाँ गया, 6 months. अच्छा, ऑलरेडी कितना ट्रांजैक्शन हो चुका है, 35,000. ये रहा, ऑलरेडी कितना ट्रांजैक्शन हो चुका है, बोलो बोलो, 35,000. 35,000 इज विद इन द लिमिट ऑफ 85,000, है कि नहीं? तो मेरे को एक बात बताओ, क्या रमेश फ्यूचर के लिए अपना गारंटी रिवोक कर सकता है? यस, बट विल हिज लायबिलिटी ऑफ 35,000 सीज और कंटिन्यू? ही इज लायबल फॉर 35,000, करेक्ट है? मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन हम लोग सबको ही पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे, सबको ही पढ़ेंगे. देखो क्वेश्चन से कैसे डायग्राम बनता है, डायग्राम बनना बहुत जरूरी है, क्लैरिटी आ जाता है. रमेश एंड सुरेश वर एंगेज्ड इन बिजनेस हैविंग सेम नेचर. रमेश स्टैंड्स श्योरिटी फॉर सुरेश फॉर एनी अमाउंट विच कमलेश मे लेंड टू सुरेश टाइम टू टाइम. टाइम टू टाइम का मतलब ही तो है कंटिन्यूइंग गारंटी. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 6 months सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 85,000. 3 months लेटर, 3 महीने के अंदर ही रमेश रिवोक्स द गारंटी. तब तक कितने का लोन दिया जा चुका है, 35,000. डिसाइड वेदर रमेश इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज फॉर एनी सबसीक्वेंट लोन. यस, देखो स्टूडेंट अगर आधा पड़ेगा तो गलत आंसर, वो बोलेगा वेदर रमेश इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल द लायबिलिटी, तो तुरंत जवाब आएगा नो, पास्ट की लायबल है. पर पढ़ तो सही, आगे क्या बोला है, फ्रॉम ऑल द लायबिलिटीज टू कमेश फॉर एनी, मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए तो डिस्चार्ज हो ही गया, तो आंसर इज यस. क्या जितने भी फ्यूचर लोन है उसके लिए रमेश डिस्चार्ज हो गया? यस. वुड योर आंसर डिफर इन द केस सुरेश मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेइंग टू कमलेश? तो सुरेश ने 35,000 भी नहीं दिया तो उसके लिए तो दिस पर्सन रमेश इज लायबल. रमेश इज लायबल फॉर पास्ट ट्रांजैक्शंस ऑफ 35,000. ओके, अब इधर सुनो, इसका जब आंसर लिखोगे तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कंटिन्यूइंग गारंटी. सेकंड, एक्सप्लेन देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिवोकेशन. थर्ड, टेल देम द इफेक्ट ऑफ revocation on past transaction and future transaction and then you give your conclusion. तो ये तुम्हारे लिखने का स्टाइल होना चाहिए एग्जाम में. ठीक है, सबसे पहले तो कंटिन्यूइंग गारंटी को डिफाइन करो. अ गारंटी गिवन फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी. सेकंड क्या लिखा है, टू मेथड्स ऑफ रिवोकेशन, बाय डेथ बाय नोटिस. थर्ड, इफेक्ट ऑफ द रिवोकेशन ऑन पास्ट ट्रांजैक्शन, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट बिकॉज द गारंटर विल बी लायबल फॉर पास्ट ट्रांजैक्शन. फ्यूचर ट्रांजैक्शन इफेक्ट होगा, लायबिलिटी खत्म हो जाएगा फ्यूचर के लिए.
चौथा कंक्लूजन, रमेश इज नॉट लायबल फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन बट इज लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ 35,000। भाई सही है कि नहीं है? पूरा सजा के लिखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत ही बार, ठीक है? तो इसको प्लीज याद रखने का। ओके, डन है क्या? अब ये देखो, ये क्वेश्चन वन दिख रहा है तुमको, इसका अभी मैं पहला पार्ट बताऊंगा, दैट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल गारंटी, ठीक है? दैट इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन जो है ना, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल परफॉर्मेंस गारंटी। मतलब एक तो फाइनेंशियल गारंटी नहीं है, कौन सा गारंटी है? परफॉर्मेंस। और दूसरा कंडीशनल, मतलब ये श्योरिटी ने कुछ कंडीशन डाला है। एक बार खाली रोमन वन वाला क्वेश्चन जो है तीन लाइन का पढ़ो। बहुत बढ़िया पढ़ाई। और इधर डायग्राम देखो, इधर अब्दुल बसेसर, चंदन क्या? अच्छा इधर अब्दुल कौन है क्या? अब बेवकूफ लोग, अब्दुल इंटीरियर डेकोरेटर है। बसेसर वो है जिसका घर इंटीरियर डेकोरेट होने वाला है, तो क्या बोलूं मैं इसको? मतलब चंदन कौन है? गारंटर श्योरिटी। तो चंदन ने बसेसर को बोला कि सुनो बसेसर, ये अब्दुल बहुत अच्छा बंदा है, ये तुम्हारा घर पूरा इंटीरियर डेकोरेशन कर देगा, ठीक है? बसेसर और चंदन दोस्त हैं, ठीक है? बसेसर और चंदन दोस्त हैं, तो बसेसर ने कोई नया घर खरीदा होगा, घर बनवा रहा होगा, कंस्ट्रक्शन करा रहा होगा, इंटीरियर डेकोरेशन करा रहा होगा, तो बोला कि यार कहाँ से अच्छा आदमी जुगाड़ करें, कॉन्ट्रैक्टर जो पूरा बढ़िया से बना के दे दे, सारे कॉन्ट्रैक्टर चोर हैं, क्या करें? तो चंदन बोला नहीं नहीं मेरे नजरों में है कि ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर बढ़िया काम भी करता है, नाम है उसका अब्दुल, तो अब्दुल से करा लो बढ़िया रहेगा। अब बसेसर को भरोसा नहीं है, बसेसर बोला कि ये सारे कॉन्ट्रैक्टर चोर होते हैं, तो मटेरियल हम ला के देंगे, ये खाली अपना लेबर लगाएगा। तो बसेसर ने बोला दैट ही विल सप्लाई ऑल मटीरियल, कि सामान जो लगेगा डेकोरेशन वो सब हम ला के देंगे, अब्दुल खाली अपना मिस्त्री लोग को लगवा के बनवाएगा, सामान वो नहीं खरीदेगा, हम खरीदेंगे। समझ रहे हो बात को तुम? ऐसा होता है कि नहीं होता है? अपने घरों में मिस्त्री वगैरह जब लगते हैं तो वी डोंट वांट देम टू बाय द मटेरियल, वी बाय द मटेरियल आवरसेल्व्स, हालांकि उसमें भी वो लोग टोपी मारी लेते हैं, हर दुकान में उनका सेटिंग रहता है, ठीक है? तो खैर जो भी है, बस ऐसा बोला मैं मटेरियल ला के दूंगा, अब्दुल खाली अपना आदमी लगवा के बनवाएगा, ठीक है? करेक्ट है। बसेसर मटेरियल नहीं दिया तो अब्दुल बना पाएगा क्या? गलती अब्दुल की है क्या? अब अब्दुल तो बना नहीं पाएगा क्योंकि बसेसर ने मटेरियल नहीं लाया। तो बसेसर जाके चंदन को टोक रहा है कि तुम तो बड़ा गारंटी दिया था कि आदमी अच्छा है। गलती चंदन की है क्या? किसकी गलती है? ही हैज नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन। उसने खुद ही कंडीशन डाला था कि मैं लाऊंगा, तो भाई कंडीशन फुलफिल कर, नहीं करेगा तो काम कैसे होगा? तो इस चंदन लायबल? नो। बात समझे कि नहीं समझे? अब ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी, पढ़ो तो जरा नीचे नंबर वन में पढ़ो, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी, अब्दुल कॉन्ट्रैक्ट्स विद बसेसर
for a fixed price to construct a house for Basesar within a stipulated time. Basesar would supply the necessary material. That's the condition. To be used in construction. Chandan guarantees Abdul's performance of the contract. But now you see that Basesar does not supply the material. तो भाई बसेसर ने अपना कंडीशन पूरा नहीं किया तो अब्दुल या चंदन की कोई गलती नहीं है. इस चंदन डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी. यस सही है कि नहीं है. ये सब क्वेश्चन हार्ड होते हैं एक्चुअली. ड्रॉ करना हार्ड होता है. एक बार लेकिन ड्रॉ कर लोगे ना तो कभी गलती नहीं होगा. ड्रॉ कर लेना चाहिए. जब भी आए क्वेश्चन में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता यू प्लीज ड्रॉ इट. एकदम सही आंसर निकल के आएगा. वन का वन हुआ है अभी. टू नहीं हुआ. टू बाद में. कोई दिक्कत. कॉपी हो गया सबका. नेक्स्ट कॉपी में आ जाओ. लाइन ड्रॉ करो. एक टॉपिक है को श्योरिटीज जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. तुम लोग सुनो. ड्रॉ कैसे करोगे मैं तरीका बता रहा हूं. ये एक सेपरेट टॉपिक है को श्योरिटीज. अप्रोक्सीमेटली 8 लाइंस. देयर विल बी टू कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम इज 35% बैलेंस उधर. नाम दे रहा है सबको. हम इसका नाम है पीडी. इसका नाम है सी. सी मतलब क्रिएटर. बहुत बढ़िया. इन तीनों का नाम है S1, S2, S3. ये तीनों ट्राइंगल मुंडी क्या है. को श्योरिटीज. क्या है लोग. को श्योरिटी. अरे बात हुआ था कि नहीं हुआ था अपना. को श्योरिटी. एक आदमी के लिए तीन जन मिलके गारंटी दे रहे हैं तो इनको क्या बोलते हैं. बोलो. को श्योरिटीज. जॉइंटली एंड सेवरली लायबल का मतलब क्या होता है. पहले भी बताया हुआ है कहीं ना कहीं. आज फिर एक बार बोल दूंगा. दिक्कत नहीं है. ओ ये बता रहा है. ये आंसर बता रहा है भाई शांत. बोलो जॉइंटली लायबल मतलब. हाँ एकदम सही है. ड्रॉ हो गया क्या. कहाँ से बोल रहा है. कौन बोल रहा है. क्या चलाना है. वहां पर ये लो. अपना टाइम आएगा. ओके हो गया क्या. सुनो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल का मैंने पहले भी अर्थ बताया था. आज इसका जरूरत मेरे को ज्यादा है इस टॉपिक पे. तो ये फॉर द लास्ट टाइम है जब मैं जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हम लोग के सामने आ रहा है. तो मैं एक बार आज फिर डिस्कस कर देता हूँ. चार दोस्त हैं. चार दोस्त हैं मिल के अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए.
देखो नॉर्मली मेरा बात को समझना, बीच में कोई अपना अपना पर्सनल किस्सा मत बनाने लग जाना, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, चार दोस्त हैं, अगर मिलके रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, सब अपना अपना अलग अलग जो भी मन में आएगा वो खाना ऑर्डर करेंगे, पर जब भाई बिल देने का टाइम आता है तब तो कायदे से सबको बराबर बराबर देना चाहिए। सपोज मान लो बिल आया 1000 रुपये का, तो चारों जन को कितना देना चाहिए? 250 रुपया, 250 रुपीज ईच, यही तो होता है नियम। अगर चारों जन मिलकर 250 250 250 250 दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं जॉइंटली लायबल, ठीक। लेकिन अब सुनो क्या हुआ, जब पैसा देने का बारी आया तो पता चलता है वन ऑफ द फ्रेंड हैज फॉरगॉटन द वॉलेट, ठीक है, ओके, वन ऑफ देम हैज फॉरगॉटन द वॉलेट। सेकेंड वाला जो बंदा एक और बंदा है वो कार्ड लेके आया है। क्या लेके आया? कार्ड, कैश नहीं उसके पास, और रेस्टोरेंट वाला बोला आज हमारे कार्ड का मशीन खराब है, तो आज ये दो जन तो दे नहीं पाएंगे, बचे दो जन। अब सवाल ये उठता है कि जो दो जन बचे हुए हैं वो लोग 500 देंगे कि 250 देंगे? क्या ये चलेगा? क्या दोनों बोलेंगे हम अपने हिस्से का 250 दे रहे हैं, इन दोनों के लिए आप कोर्ट में केस करके रिकवरी कर देना? नहीं हो सकता ना। सेवरली लायबल का मतलब होता है कि अगर चार में से कोई भी पीछे हटा तो जो बाकी बचे उनको मिलके बैलेंस पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा। अब सोचो चार में से तीन पीछे हट गया, तीनों ही पैसा लाए नहीं थे, बोले हम लोग तो पैसा घर से लेके कभी निकलते है ही नहीं, सिर्फ एक जन लाया है, तो बताओ वो एक जन 250 देगा कि 1000 पूरा? दैट इज कॉल्ड सेवरली लायबल। मतलब ये जो तीन जन को श्योरिटी हैं, ये लोग मिलके भी पूरा अमाउंट देने के लिए लायबल है, दैट इज जॉइंटली, पर अगर कोई पीछे हटा तो सारा अमाउंट बचे हुए लोगों को पूरा आपस में मिला के देना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड सेवरली। सेवरली का अगर तुमको मैं एक ऑल्टरनेटिव वर्ड दे देता हूं जिससे इजी रहेगा, सेवरली मींस सेपरेटली। सेवरली मींस सेपरेटली लायबल। तो मतलब अगर मान लो चार में से तीन पीछे हट गया तो बचा हुआ एक बंदा को पूरा पैसा देना पड़ जाएगा, बाद में वो ले लेगा वो बात और है, अरे उसके बाद में रिकवर करने का हक है कि नहीं है? बाद में तो रिकवर कर सकता है वो, तो फिर बैड डेट, ठीक है। अब वो बाकी तीन भाग ही गए, कभी मिले नहीं, दोस्ती खत्म हो गई, तो बैड डेट, पर जनरली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता। ओके, अरे साला चुप रहो ना तुम, ठीक है क्या? नहीं है कि क्लियर? तो ओके, अच्छा तीनों जनों ने मिलकर गारंटी दिया था जो भी नुकसान होगा वो तीनों मिलकर आपस में शेयर करेंगे, इन विच रेशियो? इक्वली। इन विच रेशियो? इक्वली। लेफ्ट साइड में देखो लोन कितने का था, इधर देखो लेफ्ट साइड में लोन कितने का था? 90 लाख। ऊपर लेफ्ट साइड में देखो लोन कितने का था? 90 लाख। अगर इन तीनों ने अपना कोई मैक्सिमम गारंटी फिक्स नहीं किया है तो मैं जस्ट जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच दे कैन बी लायबल? 90 90 90 90 तब आएगा जब बाकी दो जन नहीं दें, तब 90 एक जन को झेलना पड़ सकता है। अच्छा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीनों के तीनों आके 90 90 90 और क्रेडिटर को 270 दे दें, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। थर्ड,
क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? भाई कॉपी करने का, देयर लायबिलिटी शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, ये तो पार्टनरशिप जैसा है यार। वो पार्टनरशिप डीड में अगर कोई रेशियो नहीं बोला होता तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? यहां भी वही सीन है, इक्वल। ओके इलस्ट्रेशन, प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को श्योरिटीज S1 S2 S3, लोन था 100 लाख का, मॉर्गेज असेट था सिर्फ 30 लाख, लोन था 100 लाख का, मॉर्गेज असेट था सिर्फ 30 लाख का, 3 को-श्योरिटीज थे, इन्होंने अपना मैक्सिमम गारंटी फिक्स कर रखा था। लोन था 100 लाख का, मॉर्गेज असेट था 30 लाख का, और 3 लोगों ने मिलके श्योरिटी बने थे, गारंटी दिया था, पर इन्होंने अपना मैक्सिमम जी फिक्स कर दिया था। मैक्सिमम जी कितना है? 30, 20, 30 जोड़ के 80, 80 सोच लो, सही है? तो क्रेडिटर को भी कोई टेंशन नहीं था। पता है क्रेडिटर को क्या लगा? क्रेडिटर के दिमाग में मैथ्स चल रहा है, वो बोला कि 30 लाख का तो मेरे पास मॉर्गेज असेट है, ऊपर से 3 लोग मिलके मैक्सिमम गारंटी कितने का दे रहे हैं? 30, 20, 30, 80, हाउ मच 100, और लोन कितने का? चलेगा। तो ये था सीन पूरा, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रिंसिपल लेटर डिफॉल्टेड, क्रेडिटर रिकवर्ड 30 लाख फ्रॉम सेल ऑफ असेट, प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्टेड, प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्टेड। तो क्रेडिटर ने तो सबसे पहले जाके मॉर्गेज असेट जो था 30 लाख का बेच दिया, तो 30 लाख रिकवर हो गया, कितना बचा? 70 लाख। अब वो 70 लाख किससे रिकवर करेगा? इन तीनों से, किस रेशियो में करेंगे? एक झटके का आंसर नहीं है ये क्वेश्चन। हाउ विल रिमेनिंग 70 लाख्स बी अपोर्शन्ड? आंसर,
ठीक है। अरे यहां तक क्लियर है क्या? अबे यहां तक क्लियर है सबको? देखो कहानी के फैक्ट्स देख लो, मिस्टेक मत करना और जवाब भी मत देना, मैं ही जवाब दूंगा ठीक है। फालतू का चार बार गलत दोगे फिर सब गड़बड़ा जाएगा, मैं ही बताऊंगा, खाली सुनने का। लोन था 100 लाख, मॉर्गेज असेट कितने का 30 लाख, और तीन दोस्तों ने मिलकर गारंटी दिया था 30-20-30 बिकम्स 80 लाख। तो 30 लाख का मॉर्गेज असेट, 80 लाख का गारंटी, 110 लाख का कवरेज था और लोन 100 का ही था तो चलेगा। अभी वो लोन का पैसा मार लिया, नहीं दिया, तो क्रेडिटर 30 लाख का असेट बेच के 30 लाख तो रिकवर कर लिया, बचा कितना 70 लाख। तो सवाल है कि भाई 70 लाख इन तीनों में कैसे बटेगा? मैं बता रहा हूं, याद रहे इनका मैक्सिमम गारंटी है 30-20-30, लेकिन जो लॉस है वो 3:2:3 में नहीं बटेगा। लॉस का रेशियो क्या दिया है 1:1:1, तो बांटो 1:1:1। तो इसमें सबसे छोटे को पकड़ो, सबसे छोटा कौन? S2 का कितना अमाउंट है 20, तो टू द एक्सटेंट ऑफ 20-20-20 तीनों में बराबर बटेगा। फर्स्ट 60 लाख्स, 20 ये 20 ये 20 ये, इक्वली बटेगा, रेशो इक्वल है ना, तो पहले आप इक्वली बांटो। इक्वली बांटने के लिए सबसे छोटे वाले को पकड़ो, सबसे छोटे वाला था S2 20, तो 20-20-20 सब में बांट दिया। अब भाई इसका लायबिलिटी तो हो गया खत्म, अब तो बी, अब S2 तो और देगा नहीं ना, उसका तो मैक्सिमम 20 था, 20 गया उसके कोटा से, तो अब कितना बढ़ चुका है 60, बचा कितना नेक्स्ट 10 लाख, टोटल 70। अब ये नेक्स्ट 10 लाख किसको झेलना पड़ेगा? S1 एंड S3 किस रेशियो में? इक्वल, 5-5। क्या 5-5 ये लोग और ले पाएंगे क्या? यस, क्योंकि उससे इनका आएगा 25, और उनके मैक्सिमम गारंटी की लिमिट कितनी है 30, तो 25 इज विद इन 30 चलेगा। तो अल्टीमेटली इन लोग में बंटवारा क्या हुआ 25-20-25, विच इज इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द डेसिमल इट विल बी 5:4:5। हाँ भाई 5:2, समझ रहे हो? इस पूरे इलस्ट्रेशन का मकसद क्या है, जब भी आप को श्योरिटीज के बीच में पैसा डिवाइड करो, मतलब कि किसको कितना देना चाहिए, तो इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट दैट दे हैव फिक्स्ड। दैट्स द कॉन्क्लूजन, द कॉन्क्लूजन। जो भी लायबिलिटी का अमाउंट है वो इक्वली बटेगा सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम गारंटी फिक्स बाय देम। ठीक है,
यही चीज जो हम लोगों ने अभी इलस्ट्रेशन से सॉल्व किया ना, ये सीधा का सीधा कॉन्क्लूजन किताब में दिया हुआ है। ओके, बुक में मूव करें। अच्छा, मान लो अगर क्वेश्चन में बोल दे कि तीनों को श्योरिटी ने आपस में तय किया था कि उनके बीच में 1:2:3 में बटेगा, तो सर 1:2:3 में बटेगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो इक्वली बटेगा, इक्वली सब्जेक्ट टू मैक्सिमम गारंटी। अभी आप समझो, अगर मैं यहां पे रफ वर्क है, डोंट कॉपी, S1, S2, S3 कितने का अमाउंट था भाई, अगर मैं डायरेक्ट इक्वली बांट देता तब तो कुछ ऐसा आता ना। अगर मैं 70 लाख को डायरेक्टली इक्वली बांट देता कुछ ऐसा आता, ये चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? हाँ, क्योंकि S2 का मैक्सिमम 20 है, तो फिर मैं 23.33 कैसे बांटूं? तो इक्वली सब्जेक्ट टू मैक्सिमम गारंटी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, जिसका सबसे छोटा अमाउंट है उसको बेस पकड़ के इक्वली डिवाइड करो, वो एग्जॉस्ट हो गया, अब देखो बैलेंस कितना बचा है, वो बचे हुए लोगों में डिवाइड इक्वली कर दो, तो यू गो ऑन डूइंग दैट। ठीक है, पेज नंबर क्या था, ये रहा, ये देखो इधर पेज नंबर है 271, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। मिला क्या सबको? मिल गया, ये वही ज्ञान है जो डिब्बा में डाला हुआ है ना, लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी इज बाउंड इन डिफरेंट सम वेयर देयर आर श्योरिटीज। ये बाउंड इन डिफरेंट सम का मतलब होता है, मतलब इन्होंने मैक्सिमम गारंटी इतने का लिया है, दे आर बाउंड बाय डिफरेंट सम्स। अरे मतलब सबका मैक्सिमम गारंटी का अमाउंट अलग अलग है, उसका 30 है, इसका 20 है, इसका 30 है, समझे? अरे बाउंड इन डिफरेंट सम का मतलब इनकी मैक्सिमम गारंटी अलग अलग है, मैक्सिमम गारंटी अलग अलग है। जैसे मैंने एग्जांपल में एक का 30 दिया, एक का 20 दिया, एक का 30 दिया, लाइक दैट। वेयर देयर आर श्योरिटीज फॉर द सेम डेट फॉर डिफरेंट सम्स, डिफरेंट सम मतलब डिफरेंट मैक्सिमम गारंटी, द रूल इज दैट सब्जेक्ट टू द लिमिट, सब्जेक्ट टू द लिमिट मतलब सब्जेक्ट टू मैक्सिमम गारंटी फिक्स्ड बाय द गारंटी, ईच श्योरिटी इज टू कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली एंड नॉट प्रपोर्शनेटली टू मैक्सिमम गारंटी। मतलब 3:2:3 नहीं होगा, वो इक्वली बटेगा सब्जेक्ट टू मैक्सिमम गारंटी। ठीक है, अच्छा ये लैंग्वेज थोड़ा सा स्टिफ लग रहा होगा, तो ऑब्वियसली बुक का लैंग्वेज है ना, स्टिफ लगेगा। मतलब समझ आ रहा है ना, मैक्सिमम गारंटी। एक बात बताओ, पार्टनर लोग में जब आप प्रॉफिट डिवाइड करते हो तो क्या कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के रेशियो में करते हो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हो? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में नहीं होता ना, वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड नहीं होता ना, ये क्लियर है कि नहीं है? याद आ रहा है? तो पार्टनर लोग में प्रॉफिट डिवाइड करोगे तो कैपिटल रेशियो में करोगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? फिर तो मैक्सिमम गारंटी इज लाइक दैट, कि मैक्सिमम गारंटी के रेशियो में नहीं बटेगा, वो बटेगा इक्वली ही। ठीक है, डन है ये? ओके, एक क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त, इसके ऊपर एग्जाम में आया था। ये वाला सम, ठीक है, मिस्टर डी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी अमाउंटिंग टू 5 लाख, ही आस्क्ड मिस्टर के फॉर द मनी। तो ये मिस्टर डी है, इसको 5 लाख रुपया चाहिए, इसने किससे मांगा 5 लाख? के से। ओके, मिस्टर के लेंट द मनी ऑन द श्योरिटी ऑफ ए बी एंड एन, तो ए बी और एन, इन तीनों ने मिलके के को
गारंटी दिया, तो ये तीनों क्या हुए? को श्योरिटीज विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। मतलब को श्योरिटीज ने आपस में कोई रेशियो डिवाइड नहीं किया, कोई मैक्सिमम गारंटी पुट नहीं किया, तब जो भी लॉस होगा तीनों में इक्वली बटेगा। द को श्योरिटीज हैव नॉट फिक्स्ड मैक्सिमम जी और लॉस शेयरिंग रेशियो। देखो हम ग्रीन कलर में क्या बोला, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। इसका मतलब है कि ए बी एन ने आपस में कोई रेशियो डिसाइड नहीं किया, मैक्सिमम भी नहीं बोला। तो मैक्सिमम नहीं बोला तो पूरा अमाउंट के लिए लायबल है, 5 लाख 5 लाख 5 लाख। अगर मान लो 3 जन में से 2 जना भाग गया तो अकेला 1 जन कितना देगा? 5 लाख। याद है ना, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। और रेशियो कुछ नहीं बोला तो इट विल बी इक्वल। अगर आप लोगों ने कुछ आपस में अग्री नहीं किया तो आप लोगों का रेशियो क्या रहेगा? 1:1:1। और आप लोगों का मैक्सिमम जी क्या माना जाएगा? फुल लोन अमाउंट 5 लाख 5 लाख 5 लाख। तो 2 जन भागा तो अकेला 5 लाख देगा, 1 जन भागा तो 2 जन मिलके 5 लाख देगा, 2.5 लाख। अभी क्या हो गया कि जब डिफॉल्ट हुआ ना तो डी पैसा मांग रहा है, तो वन ऑफ देम जिसका नाम है बी वो बोलता है हम तो नहीं देंगे, चलेगा क्या? बी रिफ्यूजेस टू कॉन्ट्रीब्यूट, बी रिफ्यूजेस टू कॉन्ट्रीब्यूट। वेदर ही कैन एस्केप लायबिलिटी? नो। उसको भी 5 लाख में इक्वल देना पड़ेगा। कितना बोलो? 166667 है ना। क्लियर है? कॉपी हो गया क्या? तो ऑल ऑफ देम हैव टू पे इक्वली। तो बी का शेयर कितना आएगा? 5 लाख/3। ओके बोलो। अभी तो वहीं से कोई बोला चला दो। सही है क्या? ठीक है, एक काम करो ना, तुम लोग कॉपी में जहां ये पढ़ाया था ना उसके बगल में लिख दो सी क्वेश्चन। क्या है बोलो तो? क्वेश्चन पेज बोल दो, क्वेश्चन का पेज। ये क्वेश्चन हाथों हाथ देख लेना तो सही रहेगा। हार्ड चीज खत्म, अब इजी चीज।
ये एक पेज का पूरा राइट्स बनाया हुआ है, देखो मल्टीपल सेक्शंस हैं इसके अंदर, देखो अंदर में घुस के देखो ब्रैकेट में मल्टीपल सेक्शंस दिख रहा है, 140 141 फलाना ढिम का दिख रहा है, ये क्या है राइट्स ऑफ श्योरिटी, राइट्स ऑफ वो बेचारा गारंटर जो मर मर के गारंटी दे रहा है उसके पास क्या क्या राइट्स हैं, ही हैज, इधर सुनो, श्योरिटी हैज टू राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, टू राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड टू राइट्स अगेंस्ट द अदर को श्योरिटीज, समझा क्या, फिर से, ही हैज गॉट टू राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, ही हैज गॉट टू राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड ही हैज गॉट टू राइट्स अगेंस्ट द अदर को श्योरिटीज, ठीक है। तो तुम देखो इधर सबसे पहले क्या, राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर कितना राइट्स है, दो, नेक्स्ट राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर कितना है, दो, फिर राइट्स अगेंस्ट द अदर को श्योरिटीज कितना है, दो। तो हम लोग एक बनाएंगे राइट्स डायग्राम, ए पीछे तुम लोग आवाज सुनाई दे रहे हैं, राइट्स का मेरे को पेज बताना, तो 271 एक सिंगल डायग्राम बनाऊंगा वो 6 राइट्स सलड़ जाएगा, इजी है, जल्दी देखो। और हाँ बात मत करो, क्या बके जा रहा है, Surety has got rights against everybody, against the principal debtor, against the creditor, against other co-sureties. दो दो rights हैं। Arrow के ऊपर देखो मैंने 1212 लिखा है। अरे ड्रॉ करो ना, क्या कर रहा है, इधर देख क्या रहा है, ड्रॉ करो ना अपना, हो गया ठीक है, हमको बोलना चाहता ना। 6 राइट्स है टोटल, याद करने के लिए एकदम सिंपल बता रहा हूं, ब्लू कलर, आई एस 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 सी एस, इज एस एस सी एस आई एस आई से,
पहला दो राइट्स क्या है, आई एस, आई से इंडेमनिटी और एस से सबरोगेशन। राइट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि अगर श्योरिटी पैसा चुका दे तो वो प्रिंसिपल लेटर से पैसा ले सकता है कि नहीं, दैट इज इंडेमनिटी। राइट ऑफ सबरोगेशन, द श्योरिटी आफ्टर पेमेंट विल बिकम द न्यू क्रेडिटर एंड देन ही कैन आस्क एनीथिंग। अच्छा, ही ऑल्सो हैज राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर। इस बार आंसर क्या है, एस एस। पहला राइट ऑफ सेट ऑफ, दूसरा राइट टू क्लेम सिक्योरिटी, राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब क्या है, ये बहुत खतरनाक है। तुमको दो नंबर जो है ना वो तो समझ में आ जाएगा, एक नंबर समझ में नहीं आता है कई जन को, मैं एक्सप्लेन करूंगा सुनने का मेरे को। पहले दो नंबर तो इजी है, वो तो सबको समझ में आ रहा होगा। मान लो कि प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के पास गहने रखवाए थे, गोल्ड ज्वेलरी रखवाया था क्रेडिटर के पास, तो जब श्योरिटी पैसा चुकाएगा क्रेडिटर को तो बोलेगा ना कि वो ज्वेलरी फिर मेरे को दो। अब अगर उस टाइम पे क्रेडिटर बोलेगा नहीं नहीं ज्वेलरी नहीं देंगे, तो फिर हम भी पैसा। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या लिखा, राइट टू क्लेम सिक्योरिटी मतलब सिक्योर्ड असेट, सिक्योरिटी मतलब सिक्योर्ड असेट। तुमको लिखना है तुम लिख लो वहां पे रेफरेंस के लिए। ज्वेलरी वो तो मांगेगा ना सिक्योर्ड असेट, कि हम पैसा दे रहे तो सिक्योर्ड असेट हमको दे दो। अब ये सेट ऑफ का क्या चक्कर है, ये तुमको समझाता हूं मैं। लोग बहुत बदमाशी कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, बहुत बदमाशी। जैसे सोचो, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इसने ना, प्रिंसिपल डेटर ने इस क्रेडिटर को कुछ गुड्स बेचा था, लोन तो लिया ही था, लोन था मान लो 50 लाख का, और प्रिंसिपल डेटर ने इसको कुछ क्रेडिट पे गुड्स बेचा था, कुछ गुड्स बेचा था, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 10 लाख, ठीक है। तो यार एक तरफ लोन लिया 50 लाख का, पर दूसरी तरफ 10 लाख का माल भी तो बेचा है, तो दोनों के बीच में नेट आउटस्टैंडिंग कितना है, 40 लाख बनता है। तो अब क्या हुआ, क्रेडिटर श्योरिटी को आके बोलता है 50 लाख दो, जो लोन डिफॉल्ट हुआ। तो ऑब्वियसली श्योरिटी बोलेगा भाई 50 लाख क्यों, तेरा भी तो 10 लाख का उससे सौदा हुआ है, तो सेट ऑफ करके तो 40 ही बनता है। आज अगर वो भी चुका रहा होता प्रिंसिपल डेटर तो तेरे को 40 ही देता, तो हम भी तेरे को 40 ही देगा। तो क्रेडिटर क्या भाषा बोल रहा है, जस्ट लिसन। क्रेडिटर बोल रहा है श्योरिटी को, क्रेडिटर बोल रहा है श्योरिटी को कि देखो सुनो, प्रिंसिपल डेटर के साथ मेरा क्या लेन देन हुआ वो अलग है, उससे तुमको मतलब नहीं है। मेरे को मतलब नहीं उससे, तो मेरे को फिर लोन से भी मतलब, ठीक है, भारत में जाओ, ठीक है, ये तो घर पर है ना, मतलब तो कैसे मतलब नहीं हमको। तो आई हैव द राइट टू क्लेम सेट ऑफ, मतलब मैं भी फिर आपको 50 नहीं दूंगा, मैं कितना दूंगा, मैं भी 40 ही दूंगा, ये अदर को श्योरिटीज। अच्छा याद करो, ब्लू कलर इज एस एस सी एस, तो सी एस सी अगर मान लो अदर को श्योरिटीज उस वक्त अवेलेबल नहीं थे और इस श्योरिटी ने जाके पूरा पैसा चुकाया है, तो वो उन लोगों से भी हिस्सा मांगेगा कि नहीं। जैसे अदर को श्योरिटीज उस वक्त अवेलेबल नहीं थे तो बेचारे इस श्योरिटी ने पूरा पैसा जाके चुका दिया, तो उन लोग उससे तो उनका हिस्सा मांगेगा ना, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या आप भी अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आओ, ठीक है।
सी एस अगर क्रेडिटर ने सिक्योर्ड असेट्स अदर को श्योरिटीज को पकड़ा दिया था तो वो भी तो हम भी तो मांग सकते हैं, मेरा भी तो उस पर हक बनता है ना। सपोज क्रेडिटर से ज्वेलरी लेके वो लोग आ गए थे तो भाई उसमें मेरा भी तो हक बनता है, आई विल ऑल्सो गेट द ज्वेलरी का पोर्शन। तो राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज, ये छह राइट्स है, इस पर एक सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए छह राइट्स को याद रखना है। याद रखने के लिए उधर इज एस एस सी एस इज इंडेमनिटी सबरोगेशन, एस एस सेट ऑफ सिक्योरिटीज, सी एस कॉन्ट्रीब्यूशन सिक्योरिटीज। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब बोलो हिस्सा, मतलब आप भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपना शेयर अपना हिस्सा दो। ओके बोर्ड पे देखो भाई, लिमिटेशन एक्ट 1963। अब थोड़ा सा क्रेडिटर के फेवर में बात करने वाले हैं, ये कर लिया क्या सब कोई? अब थोड़ा सा क्रेडिटर के फेवर में बात करने जा रहा हूं। मैंने टाइम बार डेट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार जस्ट बताओ, इस क्लास में डिस्कस किया था कि पहली वाली में? ओके एक कानून है लिमिटेशन एक्ट 1963 जो बोलता है कि क्रेडिटर कैन सू द डेटर अप टू 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, फ्रॉम द डेट ऑफ करेक्ट। ये जरूरी है क्या कि डिफॉल्ट होते ही तुरंत केस करें? कि हमारे पास 3 साल का वक्त है। अरे किसी भी इंसान को लीगल केस पसंद, ये कॉमन सेंस की बात है, कोई को भी कोर्ट कचहरी का चक्कर, पुलिस थाना का चक्कर, लॉयर का चक्कर पसंद नहीं है, ठीक है, एकदम भी नहीं, नोबडी लाइक्स दैट। तो अगर मान लो कि हम लोग क्रेडिटर है और हम लोगों ने किसी को लोन दिया है, हम लोगों ने किसी को लोन दिया और वो अपने को डिफॉल्ट कर दिया, चुकाया नहीं, तो क्या तुरंत भाग के जाएंगे अदालत में कि पहले उसको परसुएड करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, सेटलमेंट करने का चेष्टा करेंगे? समझ रहे हो ना, यू डोंट गो टू कोर्ट स्ट्रेट अवे, तो वेट करेंगे। तो हम लोग उसके खिलाफ तुरंत लीगल केस कर नहीं रहे, वेट कर रहे हैं कि दे देगा, आज दे देगा, कल दे देगा, परसों दे देगा, तरसों दे देगा। मीनवाइल जब तक हम लोग वेट कर रहे थे उसी दौरान वो जो बंदा है प्रिंसिपल डेटर बैंक्रप्ट हो गया। हमारे पास केस करने का कितने का समय था? अभी सिर्फ 1 साल बीता है, डिफॉल्ट हुए कितना समय हो गया? अभी सिर्फ डिफॉल्ट हुए 1 साल हुआ है, हम लोग वेट करते कि दे देगा फिर केस करेंगे, पर 1 साल के अंदर ही वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक्रप्ट हो गया। तो अब उससे तो लेके मिलना पैसा और भी मुश्किल है, तो हम लोग तुरंत गारंटर को फोन लगाए कि गारंटर तुमने, याद है तुमने गारंटी दिया था, तुम श्योरिटी थे, एस से श्योरिटी, वो तो पैसा अब देगा नहीं, अब तुम ही दो पैसा। तो अब ये जो गारंटर है ये हम लोग पे चढ़ गया, किस पे? क्रेडिटर पे। इतने दिन से तुम नहीं मांगा, अब क्यों मांग रहे हो? मेरा मन, मैं 3 साल तक मांग सकता हूं, ऐसा तो है नहीं कि मैं हाथों हाथ ही मेरे को मांगना जरूरी है ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट। तो अब साल भर हो गया,
तो 3 साल का समय, अभी तो 2 साल और है ना, तो 3 साल तक अगर मैं उसको सू कर सकता हूं तो तुमको भी मैं 3 साल तक सू करने का हक रखता हूं, बिकॉज योर राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। सो अगर मैं उसको 3 साल तक सू कर सकता हूं तो मैं श्योरिटी को भी 3 साल तक सू कर सकता हूं। तो 3 साल तो खत्म नहीं हुआ है ना, अभी तो 1 ही साल हुआ है ना, तो अब मैं तुमसे पैसा मांग रहा हूं। अब श्योरिटी ये बोल सकता है क्या कि नहीं नहीं आप इतना लेट क्यों किए, हम तो पैसा नहीं देंगे, पहले मांगना था। नहीं, हम तो बल्कि वेट करके अच्छा ही किया, आई वॉज वेटिंग कि तुम लोग दोनों। देखो पहली बात तो प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी एकदम अलग अलग लोग होंगे कि दोस्त रिलेटिव होंगे। तो भाई एक तो मैं एहसान किया कि साल भर तक मैं तुम लोग का बांस नहीं किया, अब जब साल भर हो भी गया पैसा भी नहीं आ रहा, अब मैं बा मांग रहा हूं पैसा, तो नाउ यू आर गिविंग मी अ फेक एक्सक्यूज कि इतना दिन तक क्यों नहीं मांगा। तो द आंसर इज आई कैन स्टिल क्लेम मनी फ्रॉम श्योरिटी। ये मैंने 2 पॉइंट क्यों लिखाया, आई विल टेल यू। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 4 मार्क का। अब भाई 4 मार्क का क्वेश्चन में खाली थे 2 लाइन लिख के आएगा क्या, और उस 2 लाइन में एक चमत्कार है जो तुम तो नहीं कर सकते। उस 2 लाइन के अंदर जो येलो कलर में उसमें ब्रैकेट में सेक्शन नंबर लिखा है 137 दिख रहा है क्या, ये तुम किसी हालत में नहीं लिख सकते। तो वो लोग क्या करते हैं इंस्टीट्यूट, उनके पास सेक्शन का ताकत है, वो 4 लाइन में पूरा आंसर खत्म कर देते हैं बिकॉज दे हैव कोटेड द सेक्शन नंबर। यू विल नॉट बी एबल टू कोट द सेक्शन नंबर। तो तुमको अपने आंसर का ताकत अगर बढ़ाना है तो यू विल हैव टू ऐड मोर पॉइंट्स। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट और ऐड कर दिया। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि लिमिटेशन एक्ट में 3 साल का समय दिया हुआ है कि उसमें हम केस कर सकते हैं। नंबर 2, देयरफॉर हम किसी भी वक्त केस कर सकते थे एट एनी टाइम विद इन 3 ईयर। ऐसा नहीं कि तुरंत ही करना जरूरी है। फिर 3rd पॉइंट वो ऊपर मियर फॉरबियरेंस, फॉरबियरेंस का मतलब बोल लिख डिले, मियर डिले ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर वुड नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। जो मैं अंडरलाइन क्यों करो, mere delay on the part of the creditor to sue the principal later will not discharge the surety। और अब तुम 4 नंबर में conclusion बोल देना। Mm-hmm.
ओके, चार नंबर में कंक्लूजन बोल देना, ठीक है? लिखना हो गया, लिखो क्वेश्चन नंबर टू ऊपर करें, ये रहा क्वेश्चन टू। देख लो इधर डायग्राम कैसा होगा, बी डेटर है, सी क्रेडिटर है और ए श्योरिटी है, ठीक है? सी डज नॉट सू बी फॉर वन ईयर, डिफॉल्ट टू है, एक साल हो गया है। मैंने जो अंडरलाइन क्या करो, सी डज नॉट सू बी फॉर एक साल, एक साल हो गया अब तक सू नहीं किया, तो क्या हुआ? अब तो कर सकता है, पर मीन वाइल सी बिकेम, सॉरी बी बिकेम इंसॉल्वेंट, तो अब बी के खिलाफ लीगल केस करके कोई फायदा? तो वो ए के खिलाफ केस करके पैसा रिकवर करना चाहता है, पर ए बोल रहा है कि मेरे पास अब क्यों आए, तब क्यों नहीं आए जब डिफॉल्ट हुआ? अरे मेरे पास तीन साल था आने के लिए, तुरंत आना जरूरी नहीं था, तुरंत केस करना जरूरी नहीं था। इज ए डिस्चार्ज्ड, इज श्योरिटी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी? नो, डिसाइड। इसका तुम पॉइंट वाइज आंसर लिखना, मैंने पेज 272 में जो लिखा है ना पॉइंट वाइज वैसे। अंडरलाइन किए हुए को पढ़ना, तो मेयर फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर would not discharge the surety. अब यार तुम देखो इनका आंसर कितना छोटा सा है, चार लाइन का आंसर लोग लिख के आ गए, पर इनके पास ना सेक्शन नंबर की ताकत है। देखो आंसर का पहला लाइन में सेक्शन बोला है कि नहीं बोला है, तुम नहीं बोल पाएगा, मैं गारंटी बोल रहा हूं तुम नहीं बोल पाओगे सेक्शन नंबर कॉन्ट्रैक्टर का एग्जाम में, फालतू का उल्ट पुल लिख के आ जाओगे। तो अगर हमारे पास सेक्शन का ताकत नहीं है तो हम पॉइंट्स बढ़ा के लिखेंगे, सही है कि नहीं है? तो उस तरह से फिर तुम सजा के पूरा लिख सकते हो, 1 2 3 4 जो मैंने बगल में लिखा ना, बगल वाला पेज में 272 वैसे। यार ये मत करना, नहीं नहीं सुनो, बात ऐसा है ना कि खाली ये एक टॉपिक बचा है, देखो तुम लोग पलट के देख लो, और अगर ये नहीं पढ़ाया ना तो बात अगला दिन क्या है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रेश बेलमेंट यूनिट टू, तो ये वाला अगर लगेज कैरी हो गया ना तो उस दिन बेलमेंट का जो रिदम है वो डाइल्यूट हो जाएगा। बेलमेंट जबरदस्त तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, और ये तो क्या है कि अभी तुम रिदम में हो, ठीक है, 15 मिनट के अंदर तुम रिदम में हो, पूरा 1 सेकंड में भी खत्म हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा इसमें से ना पहला दो तो अपने को मालूम है, ये आता है तुम्हारे कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में, किसमें? कंटिन्यूइंग गारंटी में क्या श्योरिटी अपना गारंटी रिवोक कर सकता है? हाँ, कैसे? दो तरीके हैं, बाय नोटिस, बाय डेथ। बाय नोटिस बाय डेथ श्योरिटी का लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, पर श्योरिटी का लायबिलिटी प्रेजेंट पास्ट ट्रांजैक्शन के लिए खत्म होगा कि फ्यूचर के लिए?
पॉइंट नंबर 3, 4, 5 मैं ऊपर लिखा दूंगा नोट की तरह, उसके ऊपर ना 3 क्वेश्चंस है यार, खतरनाक टाइप का एकदम, 7, 8, 4। तो मैं उसको सिंपल कर दूंगा, ये तीनों पॉइंट देख रहे हो, ये तीनों का सार एक जैसा ही है, ठीक है। तो उसको मैं प्रॉपर लिखा दूंगा, उससे एक साथ में 3 क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, हो गया। अच्छा, 6 नंबर इज वेरी सिंपल, कॉमन सेंस। यार एक बात सोच, मैं श्योरिटी हूं, अब मैं जब क्रेडिटर को जाके पैसा चुकाऊंगा तो मेरे पास सबरोगेशन का राइट है कि नहीं है? तो मैं तो उसको बोलूंगा कि भाई जो सिक्योर्ड असेट तेरे पास था वो मेरे को दे दे, वो बोलता है खो गया, ये चलेगा क्या? इफ यू हैज लॉस्ट द सिक्योर्ड असेट विल आई पे हिम मनी? पढ़ो, प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के पास गहने रखाए थे, तो आज अगर मैं गारंटर पैसा चुका रहा हूं तो मैं तो गहना मांगूंगा ना, मतलब खो गया तो हम भी पैसा नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 का सार क्या है मैं तुमको बता देता हूं, लिसन। पॉइंट नंबर 3, 4, 5, एक सेक्शन नंबर मैं बोल रहा हूं, 133। क्या बोला मैंने? 133। श्योरिटी नीचे, सी द ट्राइंगल, इमेजिन द ट्राइंगल, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। यार ये दोनों अगर मिल के आपस में कोई अरेंजमेंट कर लें, इसको बिना बताए, ये दोनों आपस में मिलके कोई ऊपर वाले अरेंजमेंट कर लें, इसको बिना बताए, इस बंदे की लायबिलिटी खत्म फ्रॉम द डेट ऑफ सच अरेंजमेंट। नीचे वाले बंदे की श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म फ्रॉम द डेट ऑफ सच अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, 3 नंबर का पहला शब्द क्या है? रिलीज। जैसे क्या हुआ, प्रिंसिपल डेटर रोते 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 क्रेडिटर के पास गया, प्रिंसिपल डेटर रोते रोते क्रेडिटर के पास गया, बोला भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो क्रेडिटर दानवीर कर्ण बन के प्रिंसिपल डेटर को बोला, ठीक है तुमको रिलीज करते श्योरिटी से ले लेंगे। क्यों? उसको आपने रिलीज कर दिया, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को बोला जा तेरे को माफ किया, जा कोई बात नहीं उससे ले लेंगे। भाई उसको माफ किया तो मैं भी ऑटोमेटिकली माफ हो गया, क्लियर बात है। मेरे से पूछ के माफ किए होते तो वैलिड, मेरे से बिना पूछे आपस में लोग माफा माफी कर लिया, भाई हम भी रिलीज्ड हो गया। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है सेटलमेंट, लिखो कहीं, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट कर लिया क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर जाके मिला इससे और बोला यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम 50% ही दे पाएंगे। तो क्रेडिटर बोला कोई बात नहीं 50% तुम दे दो, 50 हम उससे ले लेंगे, श्योरिटी से पूछा भी नहीं। तो अगर आपस में इस तरह का सेटलमेंट किया है तो श्योरिटी लायबल रहेगा कि डिस्चार्ज? श्योरिटी से बिना पूछे क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर का टाइम एक्सटेंड कर दिया। भाई सुनो, अगर पेमेंट का टाइम एक्सटेंड किया तो लिमिटेशन एक्ट में जो 3 साल मिलता है वो भी तो सोच के देखो, और श्योरिटी से पूछा भी नहीं है, तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी, ठीक है। तीनों का सार एक जैसा ही था कि आपस में कोई भी मिलकर वेरियंसेस करोगे बिना इससे श्योरिटी से पूछे तो श्योरिटी का लायबिलिटी खत्म फ्रॉम द रेट ऑफ सच वेरियंस। ऊपर यहीं पे ऊपर लिख लो, वेरियंस मतलब ओरिजिनल अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या जो अरेंजमेंट था उसमें कोई
छेड़छाड़ करना, मतलब कुछ बदलना, टर्म्स चेंज करना। As per section 133, any variance in the contract between principal debtor and creditor without the consent of, ये इंपॉर्टेंट है भाई, विदाउट द कंसेंट ऑफ, अच्छा हमसे पूछ के करता तो सही है, आई विल रिमेन लायबल, बट हमसे पूछा, हम कौन, श्योरिटी, सो विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी विल डिस्चार्ज द श्योरिटी फ्रॉम विच डेट, डेट ऑफ, ये जरूरी है, आई विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ वेरियंस, उसके पहले की चीजों के लिए मैं डिस्चार्ज नहीं हूं, ये जरूरी है। ये वाले चीज का असर जो है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ वेरियंस, कंटिन्यूइंग गारंटी पे इसका असर पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, कंटिन्यूइंग गारंटी पे असर पड़ेगा, ठीक है। अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा एक चीज बोलना चाहता हूं, ध्यान रहे, इधर सबको सुनो, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो एग्रीमेंट है, जो ये लोग वेरियंस कर रहे हैं, वो मेरे मतलब श्योरिटी के फेवर में है या नहीं है, उससे फर्क, अगर मान लो इन्होंने आपस में कोई ऐसा अरेंजमेंट किया जो उल्टे मेरे फेवर में है, तो भी फर्क नहीं पड़ता, द आंसर रिमेंस सेम। ये इस चीज का ये लोग बहुत फायदा उठाए एग्जाम में, क्योंकि स्टूडेंट तो इमोशनली बह जाएगा कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपस में जो चेंज किया वो बल्कि फेवरेबल में है तुम्हारे, ठीक है, तो तुम्हारा तो आंसर इमोशनली वहीं चलेगा, तो फेवर में तो भाई सब तो सही है फिर, नहीं, वो वेरियंस मेरे फेवर में है या नॉट फेवर में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये क्लियर रहेगा। अभी क्या हुआ, देखो इधर, चेतन, चेतन इज द पीडी, चेतन इज द पीडी, ओके, और पवन देख रहे हो, पवन, पवन इज द श्योरिटी, ओके, दोस्त वगैरह होंगे, तो पवन ने चेतन को काम पे लगवा दिया, पवन ने चेतन को काम पे लगवा दिया एक कंपनी के अंदर, कंपनी का नाम, इट्स अ केस ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, इट्स अ केस ऑफ परफॉर्मेंस गारंटी, ओके, तो पवन ने कंपनी को गारंटी दिया कि यार बंदा सही है, चेतन इसको रख लो, तो तनख्वाह 50,000 पे रख लिया गया, ठीक है, पवन ने गारंटी दिया था, तो हम लोग सब कौन है, पवन, हम लोग सब कौन है, पवन, हम लोगों ने गारंटी दिया, किसके लिए गारंटी दिया, चेतन, तो चेतन एबीसी कंपनी में काम करेगा, कितना सैलरी पे, 50,000, ठीक है, और हम लोग पवन है, हमने गारंटी दिया था। अब क्या हुआ कि कंपनी की हालत थोड़ी खराब हो गई, तो कंपनी इसको, चेतन को निकालना चाहती थी, तो चेतन बोला नहीं नहीं एक काम करो, मेरे को निकालो मत, मेरा सैलरी कम कर दो, मेरा सैलरी 30,000 कर दो,
तो चेतन और कंपनी ने आपस में मिलकर अरेंजमेंट करके उसका सैलरी कम कर लिया। बताया क्या नीचे पवन को? नहीं बताया कि सैलरी कम हो गया। इधर चेतन जो है वो चोर निकला। चेतन के दिमाग में चल रहा था मेरा सैलरी 20,000 यहां कम करो, मैं दूसरी जगह से बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो कंपनी में चोरी करना चालू कर दिया और फिर फाइनली भाग गया। नाउ द कंपनी होल्ड्स पवन रिस्पॉन्सिबल कि पवन तुम तो गारंटी दिए थे चेतन का, तो तुम लाओ वो पैसा। तो पवन क्या बोलेगा? आप दोनों ने, चेतन ने और एबीसी ने, आप दोनों ने मिलकर अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स चेंज कर लिए, सैलरी 50,000 से 30,000 कर ली, मेरे से पूछा भी। माय लायबिलिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम द रेट ऑफ सच वेरियंस, तो आप मैं लायबल नहीं हूं, आई विल नॉट पे एनी मनी। समझ रहे हो? यहां पे क्या है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तुम्हारा इमोशनली मन भटक जाएगा कि यार अच्छा ही तो आदमी है चेतन, देख सैलरी कम करा लिया। अरे काहे का अच्छा आदमी, भाग गया ना लेके पैसा, भाग गया ना लेके अल्टीमेटली पैसा। तो फिर तो इमोशनली इसमें भटकने का नहीं है, टर्म्स वेरी हुए हैं। इधर देखो, बताया नहीं हम लोग को, बताया नहीं गया था। ओके, तो व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ पवन ड्यूरिंग द होल ड्यूरेशन ऑफ चेतन्स अपॉइंटमेंट? ठीक है, ये क्वेश्चन अब तो तुम निकल जाओ। कौन था? इधर बोर्ड पे, ठीक है। इधर बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज। चेतन, अरे छोटा चेतन, इधर बोर्ड पे कंपनी का नाम एबीसी कंस्ट्रक्शंस। कंपनी ने इसको जॉब दिया है, रेट कितना? 50,000 रुपया पर मंथ। और इसके लिए गारंटी कौन दे रहा है? पवन। इट्स अ केस ऑफ यू कैन से कंटिन्यूइंग गारंटी, बिकॉज जॉब तो हर महीना सैलरी आता है ना भाई, जॉब में तो हर महीना सैलरी है, तो इट्स अ गारंटी फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शंस नो, कि अच्छा काम करता रहेगा आपके यहां, तो इट्स अ केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। छह महीने तक 50,000 का सैलरी था, 6 महीने बाद इन्होंने आपस में टर्म्स को वेरी किया विदाउट कंसेंट ऑफ पवन।
पूरा केस हम लोगों को अच्छे से डिस्कस करना है, डायग्राम के बिना हो नहीं पाता, मैं बता रहा हूँ, इसलिए जरूरी था। ये देखो भाई, 6 महीने तक सैलरी कितनी थी? 50,000। फिर 6 महीने बाद वो आपस में लोग टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर लिए बिना पवन को बताए, ठीक है। इट्स अ क्लासिक केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब हर महीना की महीना हो रहा है ना, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। इज पवन डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल लायबिलिटी की फ्यूचर लायबिलिटी? फ्यूचर लायबिलिटी, बट पवन इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम, इसलिए दो पार्ट में डिवाइडेड है, पास्ट एंड फ्यूचर। हम लोग से क्वेश्चन का लास्ट लाइन में क्या पूछा है पढ़ो, होल ड्यूरेशन वर्ड को हाईलाइट करो, होल ड्यूरेशन वर्ड को हाईलाइट करो। होल ड्यूरेशन वर्ड को हाईलाइट कर दिया गया भाई। अच्छा, और एक चीज मैं बोलूंगा क्वेश्चन में, इधर देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो चेतन है ना, ये चेतन 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 चेतन, ये चेतन अचानक से चोर नहीं मिला, मतलब बना था, ही वॉज चोर फ्रॉम द इंसेप्शन। देखो, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट चेतन हैज बीन डूइंग फ्रॉड सिंस द टाइम ऑफ हिज, तो ऐसा नहीं कि लास्ट 3 महीना में जौहर दिखाया अपना, 9 महीने से दिखा रहा था, 6+3। तो भाई उसने पहला 6 महीना में जो फ्रॉड किया उसके लिए तो पवन इज, बट नेक्स्ट 3 महीना में जो किया उसके लिए करेक्ट और नॉट, समझ में आ रहा है? तो हमसे पूछा व्हाट इज द लायबिलिटी फॉर होल ड्यूरेशन, तो आंसर ये देखो, पहले स्टोरी क्लियर है कि नहीं हमको देख लो, इधर एकदम क्लियर है आंसर। पहले तो डिफाइन कंटिन्यूइंग गारंटी,
ये बॉक्स बनाओ तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, जो ऊपर लिखा है उसी को नीचे ऐसे लिख दिया था कि तुम फटाक से एक बार सोच सको। ओके, क्वेश्चन 7 पूरा क्लियर एकदम। 8 ऐसा ना करो, क्वेश्चन नंबर 8 कभी कभी मेहनत कर लेना चाहिए तुम लोग को। आओ, एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है। वाई गेव अ लोन टू जेड ऑन द गारंटी ऑफ एक्स एट अ ब्याज ऑफ 10%। वाई गेव अ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्या हुआ? वाई एडवांसेस जेड अ लोन ऑफ 10,000 रुपया ऑन द गारंटी ऑफ एक्स, एक्स ने गारंटी दिया एट एन, इसको मैं अलग से लिखाऊंगा यहीं पे, एट एन इंटरेस्ट ऑफ 10%। ये क्वेश्चन 7 से सिंपल है बिकॉज यहां पे हमको टाइम डिवाइड नहीं बताया, 6 महीना 3 महीना वैसा कुछ नहीं है। सब्सिक्वेंटली जेड जो है ना बंदा अपना, इसको हो रही थी फाइनेंशियल डिफिकल्टी, तो अपने आप ही वाई के साथ मिलकर बातचीत करके रेट कम करा लिया, रेट वॉज रिड्यूस्ड टू 7%, ठीक है, एंड टाइम भी एक्सटेंड करवा लिया। मतलब इट्स अ क्लासिक केस ऑफ डबल वेरियंस। और पूछा भी नहीं भाई हम लोग से तो, विदाउट द कंसेंट ऑफ एक्स। पेज 272 पर तुम लोग को ऊपर जो हैंड नोट्स दिखाया था ना मैं, कि एज पर सेक्शन 133 एनी वेरियंस इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीडी एंड क्रेडिटर विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी विल डिस्चार्ज द श्योरिटी फ्रॉम द रेट ऑफ सच वेरियंस, वो पूरा लिखना है तुमको, ठीक है। तो अब एक्स लायबल है क्या? नहीं, एक्स इज नो लॉन्गर लायबल। अब आपने यहां पे क्वेश्चन में हमको डेट्स तो बताया नहीं कि वेरियंस कितना महीना बाद हुआ कितना नहीं हुआ, तो हम डिवाइड करके तो उतना बोल नहीं सकते। हम लोग सीधा बोलेंगे एक्स इज नो लॉन्गर लायबल, मतलब वेरियंस के बाद लायबल नहीं है। तो अब जेड तो हो गया बैंकक्रप्ट, जेड हो गया, और वाई एक्स को सू करके पैसा लेना चाहता है, इज एक्स लायबल? नो। कैन वाई सू एक्स फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट? नो। कैन वाई सू एक्स फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट? नो। अरे कनेक्टेड क्वेश्चन है, इधर
यहां पर इमोशनल डिस्टर्बेंस है भाई, पढ़ो ना चुपचाप, बात नहीं करो। क्या हुआ कि ये वो ग्रोसरी वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक दोस्त ने ग्रोसरी स्टोर वाले को बोला कि भाई मेरा दोस्त तुम्हारे से जो भी ग्रोसरी का सामान खरीदे उसके लिए मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। इट्स अ केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो जो दोस्त है और शॉपकीपर है उनके बीच में अरेंजमेंट हुआ, पर वो अरेंजमेंट क्या था मैं बताता हूँ। ये वाला जो दोस्त है जिसको मतलब ये जो उधार पे माल ला रहा है उसको शर्म आने लग गई, तो उसने डिसाइड किया कि आज से वो उधार पे नहीं लेगा, पैसा दे के लेगा। तो दुकानदार के साथ जाके अरेंजमेंट किया कि अब से भाई हम आपसे उधार पे नहीं लेंगे, पैसा लेके देंगे। दुकानदार मना करेगा क्या? तो दोनों आपस में अरेंजमेंट कर लिए। एक्चुअली दिस इज गुड फॉर श्योरिटी, दिस इज गुड फॉर, पर मैंने बोला ना भय मत जाना, ठीक है। वेरियंस हुआ है विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। अब जो भी पास्ट ट्रांजेक्शन है उसके लायबल, पर फ्यूचर के लिए लायबल नहीं है। यहां पे ऐसा ही कुछ होगा, ए गिव्स टू एम अ कंटिन्यूइंग गारंटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 रुपया। 8,000 रुपया मैक्सिमम गारंटी है फॉर फ्रूट्स to be supplied by M to S. Diagram देखो छोटा सा नीचे, M will give fruits on credit to S और guarantee कौन दिया है? A. कुछ समय के बाद S को शर्म आने लगा, S got embarrassed and without the knowledge of A M S कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अब से वो रेडी मनी देके सामान खरीदेगा, एंड दैट पेमेंट शैल बी अप्लाइड टू देन एग्जिस्टिंग डेट्स। मतलब अब से वो पैसा देके लेगा और जो भी पैसा वो देगा सबसे पहले पुराना डेट उससे कटता रहेगा, ठीक है। तो मतलब पास्ट ट्रांजैक्शन का पैसा चुकता रहेगा धीरे धीरे। एग्जामिनिंग द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिसाइड वेदर ए इज लायबल ऑन हिज गारंटी। तो इमोशनली एवरीथिंग असाइड, वेरियंस हुआ है विदाउट कंसेंट ऑफ ए, ए इज नो लॉन्गर लायबल। वेदर ए इज लायबल, नो। ओके है, क्या मजाक कर रहे हैं क्या? इधर भाई शांति, इधर देखने का। ही इज नॉट लायबल, ठीक है। अच्छा थोड़ा एमसीक्यूज बचा हुआ है, मैं बोल रहा हूं वो अगले दिन कर लेंगे। इधर बोर्ड पे ताकने का, एक बार एक सेकंड देखो देखो, ज्यादा नहीं, 4 MCQ है। अरे अगले दिन छोटा क्लास दे लेंगे, इसमें क्या नहीं अगले दिन छोटा क्लास जाएगा, आज थोड़ा सा मेहनत कर लो आगे फायदा हो जाएगा, नहीं है ना?
A, B, and C are sureties. ठीक है, स्टार्ट करें भाई, शांति। अब बात भी करोगे तो कैसे डिस्कस करूंगा, शांत रहो। अरे चुप। ए बी एंड सी आर श्योरिटीज, दे एंटर इनटू थ्री बॉन्ड्स, ईच इन अ डिफरेंट पेनल्टी। डिफरेंट पेनल्टी मतलब डिफरेंट मैक्सिमम गारंटी। जब मैक्सिमम गारंटी का अमाउंट अलग अलग होता है तो लायबिलिटी इक्वली शेयर होती है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम गारंटी। तो इनका मैक्सिमम गारंटी अमाउंट कितना है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख। तो क्या लायबिलिटी 1:2:4 में बटेगा? कंडीशन फॉर डी इज ड्यूली अकाउंटिंग टू ई, डी मेक्स डिफॉल्ट ऑफ 3 लाख। तो ये तो बहुत सिंपल है, 3 लाख अगर है तो 1 लाख 1 लाख करके बढ़ जाएगा तीनों में इक्वली। इधर देखो ना यार, क्या बकवास हंस रहे हैं, समझ नहीं आ रहा इधर। ये 1 लाख ठीक है कि नहीं है इक्वली? अब तो सब चीज ठीक है। अरे डाउट तो बोलो, मैं समझा दूंगा डिटेल में। पेज 271 ठीक है, अच्छा ठीक है ना ये। नेक्स्ट 8, एक आदमी को तुम काम पे लगवाया, वही तमाकू वाला को काम पे लगवाया कि भाई बंदा सही है रख लेना, पर साथ में बोला कि चेकिंग करते रहना। वो चेकिंग किया नहीं, ये फरार हो गया। इज श्योरिटी लायबल? नो। इधर पढ़ो, ए पुट्स एम एस कैशियर अंडर बी एंड अग्रीज टू स्टैंडर्ड श्योरिटी प्रोवाइडेड बी चेक्स द कैश एवरी मंथ। दिस इज अ केस ऑफ कंडीशनल गारंटी। कंडीशन डाला है ना कि आप ये कंडीशन फुलफिल करो। श्योरिटी हैज पुट अ कंडीशन ऑन क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तो बोला हम तो चेकिंग किए नहीं, तो फिर भाई उसका भी गलती नहीं है। ठीक है, इज नॉट लायबल इफ बी फेल्ड टू वेरीफाई द कैश। यहां तक ठीक है? नो। ओके, ये राइस अरे एक दिन और ऐसे हल्ला मचा रहे, ऐसे पता नहीं क्या हो गया, एक दिन ही का तो हुआ ऐसा, एक दिन में ऐसे क्या कोहरा, मतलब समझ नहीं आ रहा है। इधर देखो, अरे शांति प्लीज, शांति। इधर बोर्ड पे देखिएगा ना, हम लोग मीत पढ़ दे यार, ये पढ़ रहे भाई, तुम लोग सुनना। अरे एक सेकंड, 2 लाख क्या है बोलो? मैक्सिमम गारंटी कितना? 2 लाख। एक बार सुनो, एक बार जस्ट सुनो, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन। प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, अपने श्योरिटी। श्योरिटी ने बोला मैक्सिमम गारंटी 2 लाख का है, तुम इसको जो भी राइस सप्लाई करोगे अगर ये पैसा नहीं दे तो हम देंगे, तो दैट्स अ गारंटी। और श्योरिटी ने अपना मैक्सिमम गारंटी कितना बोला? अब मेरा बात भाई सुनो, क्रेडिटर ने सपोज 1,50,000 का राइस सप्लाई किया है, क्रेडिटर ने कितने का राइस सप्लाई किया? 1,50,000। तो ड्यू कितना बनता है? कैन क्रेडिटर रिकवर 2 लाख फ्रॉम श्योरिटी? वो तो मैक्स है पढ़ने का, नहीं तुम आगे चले गए।
इधर अच्छा जो मैं अनलाइन कर रहा हूं पढ़ो अरे चुप रहे सी सप्लाइज टू बी राइस टू अ लेस अमाउंट देन 2 लाख मतलब एक बार मन से ले लो सपोज 1.5 लाख का राइस दिया अरे ये लोग राइस का ट्रेडर होगा 1.5 लाख का चावल घर में थोड़ा आता है तो 1.5 लाख का सपोज चावल दिया परंतु श्योरिटी से जाके पूरा 2 लाख मांग रहा है बट ऑब्टेन्स फ्रॉम ए पेमेंट ऑफ 2 लाख ये तो गलत है चावल सप्लाई किया 1.5 लाख का और गारंटी वो श्योरिटी से जाके कितना मांग लिया 2 लाख ये तो गड़बड़ है ए कैनॉट एक सेकंड कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है समझ गए तुम लोग क्या बोला ये इधर हम लोगों को बोला है बट ऑब्टेन्स फ्रॉम ए पेमेंट ऑफ द सम ऑफ 2 लाख तो सी ने ए से पूरा का पूरा 2 लाख ले लिया तो ए जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है अब क्वेश्चन एक बार देखते हैं ऑप्शन पर पढ़ लेते हैं ए कैन रिकवर फ्रॉम बी मोर देन द प्राइस ऑफ द राइस एक्चुअली सप्लाइड तो यार ए बी से तो लिखा हुआ एक सेकंड रुको एक एक ऑप्शन पढ़े भाई डिस्टर्ब ना करना 1 सेकंड ए बार डी शांति से रुको प्लीज बात नहीं ऑप्शंस देख लो एक बार नंबर 1 ए कैन रिकवर फ्रॉम बी पहले बात है वो बी से क्यों रिकवर करेगा बी से तो वो 1.5 लाख ही रिकवर कर पाएगा बिकॉज इनके बीच में अगर सौदा 1.5 लाख का हुआ है तो अगर ए के पास सबरोगेशन का राइट भी है तो वो सिर्फ बी से कितना ले सकता है 1.5 लाख तो हम लोग को बोला ए कैन रिकवर फ्रॉम बी मोर देन द प्राइस जो कि गलत है ये हो नहीं सकता सेकंड ए कैनॉट रिकवर फ्रॉम बी मोर देन द प्राइस मतलब ए बी से 2 लाख रिकवर नहीं कर सकता सही है ये भी देखो बात लैंग्वेज को पढ़ो जरा ए ने इधर देखो चीटिंग किसने किया है सी ने चीटिंग किसने किया है सी जाके ए से पूरा 2 लाख रुपया लेके आ गया तो गलती सी की है अगर ए को अपना एक्स्ट्रा 50,000 लेना ही है तो किससे लेगा सी से ए के पास 2 हक है ए कैन क्लेम फ्रॉम बी 1.5 एंड ए कैन क्लेम फ्रॉम सी एक्स्ट्रा 50,000 क्योंकि सी की गलती की वो 50,000 एक्स्ट्रा लेके आया तो ए सी से 50,000 ले सकता है और बी से तो जितना राइस अमाउंट है उतना ही ले सकता है अब ऑप्शंस को पढ़ के जो सबसे फिट बैठेगा वो लेंगे नंबर ए ऑप्शन में क्या बोला था ए कैन रिकवर फ्रॉम बी मोर देन प्राइस मतलब 2 लाख क्या ए बी से 2 लाख रिकवर कर सकता है कि 1.5 लाख 1.5 लाख तो गलत है दूसरा ए कैनॉट रिकवर फ्रॉम बी मोर देन प्राइस मतलब 2 लाख तो बोला है ए कैनॉट रिकवर फ्रॉम बी 2 लाख तो ए बी से 2 लाख रिकवर नहीं कर सकता ये सही है थर्ड ए कैन रिकवर फ्रॉम सी द प्राइस कितना है क्या ए सी से 1.5 लाख रिकवर कर सकता है कि 50,000 नंबर डी सी कैन रिकवर सी तो किसी से कुछ भी सी तो चोर है सी तो किसी से कुछ भी रिकवर कर ही नहीं सकता तो सारे ऑप्शंस में घुमा के एक ही बचा बी क्वेश्चन 10 कि वो घर वाला है घर कंस्ट्रक्शन के लिए अब्दुल को रखा था पर मटेरियल सप्लाई नहीं किया देखो सेम एज क्वेश्चन 1 का रोमन 1 अब्दुल चंदन बसेसर
Chandan is discharged. Yaad hai, ye isme aao. One ka two. Ab jab boli diya to ye bhi karam na main. One ka two. अरे हाँ शांति. अच्छा एक बात सुनो, बस लास्ट है, हो गया प्रिंसिपल लेट. क्या बात है ये, लड़की लोग चालू. शांति से सुनने का ना, दो मिनट इधर. अरे अरे एक सेकंड, इतना कोलाहल इधर. प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट हो जाए, वेरियंस हो जाए विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज. पर सपोज क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं किया, किसी बाहर वाले के साथ किया. प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में अगर आपस में कोई समझौता हो जाए, वेरियंस हो जाए, टाइम एक्सटेंशन हो जाए, कॉम्पोजिशन हो जाए विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, देन द श्योरिटी इज डिस्चार्ज. लेकिन सपोज मान लो कि क्रेडिटर ने जो भी वेरियंस करना है वो प्रिंसिपल डेटर के साथ नहीं किया, किसी बाहर वाले के साथ ही किया है, प्रिंसिपल डेटर के साथ नहीं, तब क्या वहां पे सेक्शन 133 लगेगा क्या? तब वहां लगेगा सेक्शन 136, ठीक है, जो कि बोलता है कि किसी पीडी के साथ अगर आप करोगे टाइम एक्सटेंशन बात करके तब तो श्योरिटी डिस्चार्ज, किसी बाहर वाले के साथ करोगे तो श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज. इधर सी द, ये क्वेश्चन पढ़ के कोई सोचेगा कि नेगोशिएबल का क्वेश्चन है, पर ये नेगोशिएबल का नहीं है बिकॉज टॉप में पहला लाइन में देखो. ओके, जस्ट बिकॉज अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वर्ड लिखा है इसका मतलब ये नेगो का क्वेश्चन नहीं है. ऊपर बोला मेरे को एग्जामिन एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, एक बार ध्यान से पढ़ना. सी द होल्डर ऑफ एन ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी. डायग्राम कुछ इस तरह से, ए श्योरिटी है, सी क्रेडिटर है और बी है प्रिंसिपल डेटर, ठीक है. ए सी द होल्डर ऑफ ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी एंड एक्सेप्टेड बाई बी कॉन्ट्रैक्ट्स विथ एक्स टू गिव टाइम टू बी. तो सी जाके किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? कोई बाहर वाला बंदा, कोई बाहर वाला बंदा के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम बी को और टाइम दे देंगे. तो भाई ये सी जो है बी के साथ तो कोई वेरियंस नहीं किया ना. अगर सी बी के साथ वेरियंस किया होता तो मिस्टर ए श्योरिटी वुड बी डिस्चार्ज. पर सी वेरियंस किसके साथ किया? किसी थर्ड पर्सन के साथ. तो इधर ना, अगर इधर करता तो सेक्शन 133 तक था, इधर लगेगा सेक्शन 136. बाहर वाले के साथ अगर आप कोई अग्रीमेंट करके एक्सटेंशन दोगे तो उसमें श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा. इलॉजिकल लग रहा है, इलॉजिकल लग रहा है, क्योंकि फिर सारा प्रिंसिपल डेटर लोग यही करवाएगा. प्रिंसिपल लेटर खुद जाके क्रेडिटर के साथ टाइम एक्सटेंशन नहीं करेगा, किसी तीसरे पंटर को बिठा देगा ताकि 136 अट्रैक्ट हो जाए. लग तो रहा है बिल्कुल इलॉजिकल, पर यही प्रोविजन है. इधर where a contract to give the time to the principal debtor is made by the creditor, green color, with a third person and not with the principal debtor, the surety is
not discharged. Hence, A is not discharged. खत्म होता है. क्या क्या बोला ये?